हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेल, आई एम पीयूष गुप्ता, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो जैसा कि आपको मतलब अब आइडिया लगी गया, आपने कोर्स वगैरह परचेज करे हैं, हम जीएसटी के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। ये जो कोर्स है, इसमें मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी के बारे में सारा बताऊंगा। उसके अलावा हम इसमें रिटर्न फाइलिंग का भी बेसिक उसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। प्लस लास्ट में आपको जब ये कोर्स आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मेरी तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट क्या है कि आपको एक सर्टिफिकेट जब एक मतलब सीए से आपने सीखा है तो वहाँ पे एक ट्रस्टवर्दीनेस होती है, एक ब्रांड वैल्यू मिलती है आपको कि हाँ यू हैव अ नॉलेज। बट वो आपको नॉलेज पहले लेनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बस आपने कोर्स परचेज करा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं, क्वालिटी मेंटेन हमें रखनी है। ओके, अब सबसे पहले जब हम जीएसटी पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है, व्हाई जीएसटी, मतलब जीएसटी को हम पढ़ें क्यों, ये वाला जीएसटी का सर्टिफिकेशन कोर्स क्यों करें, क्या ज़रूरत है। देखो, आज के टाइम में अगर मैं करंट सिनेरियो में बात करता हूँ, करंट सिनेरियो में मार्केट में जब हम जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो मेजरली हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जब मैं कॉमर्स फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, इस फील्ड में अगर मैं जा रहा हूँ, मेजरली मुझे जो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती है एक अकाउंटिंग नॉलेज और दूसरा टैक्सेशन नॉलेज। अकाउंटिंग नॉलेज के लिए जब मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे टैली या SAP सॉफ्टवेयर, इस तरह से हमारे ERP सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अलग अलग हो जाते हैं, तो उनकी नॉलेज रिक्वायर्ड हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ जीएसटी की। पहले क्या था, पहले बहुत सारे टैक्सेशन थे तो वहाँ पे ना एक एक सब मतलब एक एक टैक्स में हमारा स्पेशलाइजेशन मैटर करता था। अभी बहुत अच्छा हो गया है आप सब के लिए, हम सब के लिए, कि जीएसटी सिंगल टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में मेजरली अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम जो और भी टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट में, हम देखेंगे क्या मतलब होता है इन चीज़ों का। सो मेजरली अभी हमारे पास जीएसटी हो गया। उस जीएसटी को कवर करना हमारे लिए ईजी हो गया कि हमें सिर्फ एक टैक्स पढ़ना है। सो जब आप कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं, इवन एज एन अकाउंटेंट आप जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग की आपको नॉलेज है तो आपने टैली सीख के या जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो सीख के आपने अकाउंटिंग वहाँ पे कर ली। बट उसके अलावा आपको टैक्स में जो सबसे ज़्यादा हैंडल करना है वो है जीएसटी। जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं है आप सही से इनवॉइस रेज नहीं कर पाएंगे। इनवॉइस मतलब अभी जब आप सेल करते हैं तो वहाँ पे इनवॉइस नहीं कर पाएंगे। आपको जीएसटी की नॉलेज नहीं है प्रॉपर तो उसकी अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, हर महीने रिटर्न फाइल करनी होती है बिजनेस को। सो अगर आप एक बिल्कुल क्लैरिकल वर्क चाहते हैं फिर तो ओके है, अकाउंटिंग में सिर्फ आपने जूनियर पोस्ट पे आप हो गए, ओके, वहाँ पे आपने टैली पे ऑपरेट कर लिया, डन है। बट अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं, एक अच्छा प्रोस्पेक्टस चाहते हैं, सो फॉर दैट यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ अ जीएसटी। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अदर देन जॉब, अगर मैं जॉब के अलावा बात करता हूँ, सो देन ऑल्सो यू कैन डू योर ऑन वर्क, योर ऑन बिजनेस, योर ऑन प्रैक्टिस इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन जीएसटी। आप जीएसटी में अपना खुद का वर्क भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ना, इवन एज अ सीए, सो जो हमारा एक मेजर पार्ट होता है वो रिवेन्यू या मेन हमारा जो बिजनेस में वर्क है हमारी प्रैक्टिस में, वो एक जीएसटी से आता है। सो वही सब आप इसके बाद काफ़ी लेवल तक कर सकेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि 100%, बट एक मेजर लेवल तक आप अगर जीएसटी समझते हैं तो अपना वर्क समझ कर सकते हैं। और पूरे कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे चीज़ों को हो सकता है। इस कोर्स को करने के बाद अगर थोड़ा सा आप टाइम डिवोट करते हैं ना, पार्ट टाइम में भी अगर आप वर्क करते हैं, सो मंथली आप 20-30,000 रुपीज इजिली अर्न कर सकते हैं इनिशियली, मतलब 2-3 महीने बाद आप इतना अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे वो सब करना है, अर्निंग करनी है, कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, वो सब मैं आपको पूरे कोर्स में भी बताऊंगा। क्लाइंट को कैसे हैंडल करना होता है वो सब चीज़ें भी हम बताएंगे, क्लाइंट कहाँ से आएंगे, कैसे रहेगा। सो अर्निंग का रिसोर्स इसमें, ये मैंने 20-30,000 रुपीज ऑन एन एवरेज बताया, लिमिट कुछ नहीं है। एक सीए, एक एडवोकेट जितना अर्न कर रहे हैं वो जीएसटी में से एक मेजर पार्ट अर्न कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। सो उनकी रिवेन्यू का आइडिया आपको नॉर्मली रहता है, ठीक है। सो जीएसटी का जो कोर्स अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत अच्छा कोर्स है। आज के टाइम पे अगर जीएसटी की आपको नॉलेज नहीं है, सो इट्स लाइक कि आपको मतलब कॉमर्स फील्ड की नॉलेज नहीं है। सो आपको जीएसटी के बारे में पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके है ये वाली बात। सो मतलब अगर मैं किसी कॉमर्स स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि आपको अकाउंट्स नहीं आते, सो इट्स सिमिलरली लाइक, थोड़ा सा एक माइनर प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे करिकुलम में, चाहे कोई सा भी करिकुलम हो, वहाँ पे जीएसटी की कवरेज बहुत लिमिटेड है। 11th-12th में ज़्यादा कवरेज नहीं आती है, उसके बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं आती है। सो बट इस कोर्स के थ्रू आप वो कवरेज ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन ये कोर्स कर सकता है।
देखो इसको करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ट्वेल्थ अगर आप कर रहे हैं या कर चुके हैं सो आपके लिए ये सुटेबल है। इस मतलब ट्वेल्थ करने परसुइंग जो स्टूडेंट है वो या उससे सीनियर कोई भी, आप मतलब जॉब अभी लुकआउट कर रहे हैं, जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी एक अकाउंटेंट हैं जो आप थोड़ा सा सीखना चाहते हैं जीएसटी के बारे में, कुछ नॉलेज चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगी। जो भी हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम नॉलेज लेंगे, ऐसा नहीं कि आपको बर्डन लगेगा या बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, नहीं, बहुत रिलैक्स तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ईजी मैथड में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप कॉमर्स फील्ड के हों, आप साइंस साइड के, आर्ट साइंस किसी भी साइड से हो, तो इसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ भाई आपको कॉमर्स फील्ड का ही होना जरूरी है, किसी भी फील्ड का पर्सन समझ सकता है, हम इस तरह से पढ़ेंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है जो कॉमर्स फील्ड के नहीं थे, सो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, सो ओके है, ठीक है। सो इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपना जीएसटी की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी है क्या, वो सब ठीक है, उससे पहले हम फुल फॉर्म तो समझ लेते हैं पढ़ने के हवाले। सबसे पहले मैं जब बात करता हूँ जीएसटी की तो फुल फॉर्म आती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके, जस्ट हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले मैं आपको ये जो चीज़ कहूँगा, देखो यहाँ पे ना दोनों ही केस में गुड्स है सर्विसेज है, मतलब ये गुड्स पे लगता है, जितना भी सामान आप बेचते खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। सर्विसेज जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गई, टीचिंग सर्विस हो गई, एडवोकेट की होगी, सीए की होगी, सर्विस जहाँ पे आ जाती है, आर्किटेक्चर की जो मतलब आप लेते हैं सर्विसेज, तो वो भी इसमें कवर हो जाती हैं। सो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ों पर क्या लग जाता है, टैक्स लगता है। पता है मेजर मतलब आज इतने सालों बाद भी बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखते हैं, नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, किसी एक सर्विस पे नहीं लग रहा है, बहुत सारी जितनी भी सर्विसेज है सब पे हमारा जीएसटी एक तरह से लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, वरना पता क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स भी कवर पेज तक में अपनी मिस्टेक्स कर देते हैं। सो जो टाइटल है, जो नेम है, एटलीस्ट वो तो आपका परफेक्ट होना चाहिए ना, इंटरनल मैटर तो बाद में बात आती है। सो वो चीज़, इट इज़ अ टैक्स विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड न्यूली इन इंडिया, इंडिया में अभी आया, कब से आया, 2017 में आया था ये, ठीक है। सो तब से ये हमारे इंडिया में आया। चलो फुल फॉर्म देख लिया हमने, ये सब हमने देखा कि इसका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो कि कॉमन टैक्स है गुड्स और सर्विसेज के लिए, दोनों चीज़ों के लिए मेरा एक कॉमन टैक्स है। अभी बात इसको बेस समझते हैं, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, थोड़ा सा इसको एक इंट्रो लेते हैं। एक्चुअल में क्या था, जीएसटी से पहले ना जब आप सेल परचेज करते थे जब आप सेल परचेज करते थे बहुत सारे टैक्स लगते थे, अलग अलग वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स थे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी ना, हर स्टेट का अपना टैक्स, उसके अपने रूल्स, अपनी रेगुलेशंस, वो और अलग अलग रेट्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उसके रीज़न से क्या होता था कि आपको वर्क करना है ना, तो मतलब हर एक बिजनेस हो चुका, जैसे रिलायंस हो गया, तो उसकी तो हर स्टेट में बिजनेस है अपना, अभी वहाँ पे उसको हर स्टेट के टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले तो इतने सारे टैक्स मेजरली अगर मैं बात करता हूँ, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी और एक हमारा एक्साइज, तो चार टैक्स तो ये नॉलेज। फिर चार टैक्स में भी अगर मैं बात करता हूँ तो हर स्टेट से रिलेटेड मुझे नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मेजरली इसमें वैट की नॉलेज तो मुझे हर स्टेट से रिलेटेड होनी चाहिए, अभी देखेंगे इन टैक्सेस को भी मैं समझेंगे, परेशान मत होना। सो वो सारी चीज़ें भी हमें वहाँ पे समझनी पड़ती थी कि ये सब चीज़ें कहाँ पे कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। इसके कारण कई बार क्या होता था, बाहर की जो फॉरेन कंपनीज होती थी ना, इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करती थी। इंडिया में भी छोटा बिजनेस है तो वो टेंशन में आ जाता था कि मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे एक्सपेंड करूँ, ये एक मेजर पार्ट था। प्लस उसके अलावा ना टैक्स में रिपीटेशन बहुत सारा था, टैक्स मेरा एक तरह से बढ़ रखा था। सो जीएसटी के आने के कारण मेजरली आइटम्स पे टैक्स रिड्यूस हुआ है। सो बहुत सारी चीज़ों के कारण उन्होंने क्या करा है, अभी हम और भी रीजंस देखेंगे, बेनिफिट्स क्या क्या हमें हुए। तो हमारा जीएसटी का जो एक इंट्रोडक्शन था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए जीएसटी हमारे इंडिया में लेके आया गया है, ठीक है। अभी मतलब क्या हो गया, देखो आप जीएसटी पढ़ रहे हो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना मैं सिर्फ एक स्टेट के उस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, लाइक मैंने दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर सिर्फ उत्तराखंड के, नहीं, आप पढ़ रहे हो पूरे इंडिया में
कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, सेम रूल्स अप्लाई होंगे। अभी वन नेशन वन टैक्स वाला कंसेप्ट है, तो पूरे देश में आपके सिर्फ एक ही कंसेप्ट अप्लाई होगा जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। डजेंट मैटर आप कौन सी लोकेशन के हो। उससे पहले सोचो कितना मुश्किल होता था, अगर मुझे आपको वैट पढ़ाना है तो दिक्कत आती थी ना, तो मैं जनरल टर्म्स पढ़ा पाता था, बट डिटेल वाली टर्म्स के लिए मेरे पास प्रॉब्लम आ जाती थी। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, आप पढ़ो। एक चीज़ और, आपका कस्टमर बेस कितना बढ़ गया, अगर जैसे मैंने आपको कहा था ना वर्क करने के लिए। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपनी सिटी की, जैसे मैं हरिद्वार से हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हरिद्वार के क्लाइंट्स को ही हैंडल करूँ। मेरे कोई फ्रेंड है मेरा, वो दिल्ली रहता है, तो ठीक है मैं दिल्ली के फ्रेंड को भी हैंडल कर सकता हूँ, उसके वर्क को भी अपने हरिद्वार से हैंडल कर सकता हूँ। ऑनलाइन मैक्सिमम वर्क हो जाता है हमारा आज के टाइम पे, और उसके अलावा मुझे नॉलेज पता है कि भाई दिल्ली में ऐसे रूल्स लग रहे होंगे, वहाँ पे ऐसे रूल्स होंगे। क्यों देखा जाए तो पूरी इंडिया में एक ही तरीके के रूल्स हैं। ठीक, डन है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की पूरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, टेक केयर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का हमने डेफिनेशन तो देख ली, मतलब फुल फॉर्म देख ली थी, मीनिंग भी देखा था कि क्यों आया है हमारे इंडिया में। सो जीएसटी की फुल फॉर्म हमने क्या देखी थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो जितना भी हम पढ़ते रहेंगे ना उसमें, वैसे मैं आपको नोटिंग का टाइम दूंगा, बट इन बिटवीन आप अगर कहीं ऐसा होता है कि वीडियो आगे हो जाती है तो आपके लिए बेनिफिट है, वहाँ पे पॉज करें और वीडियो ये जितना भी है ये नोट कर लीजिए। मैं ये आपको पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं दूंगा। यस, नहीं दूंगा। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगी बट उसका प्रिंट नहीं ले पाओगी। रीजन बीइंग, आई वॉन्ट कि आप इन सबको अपने हाथ से बाय हैंड अपनी नोटबुक में लिखो। जब तक ये एज अ प्रिंट, एज इट इज इसको आप प्रिंट ले लेंगे ना, तो वो आपके पास एक ऐसे ही रह जाएगा, वो किसी बेनिफिट का नहीं होगा। मैं आपको एक पूरी बुक दूंगा जो मतलब ICAI की तरफ से है, वो बुक आपको बहुत हेल्प करेगी, उसका आप प्रिंट ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जितना मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप अपनी एक नोटबुक बनाएं, उसमें प्रॉपर इसको नोट करते रहें। ठीक है, मैं आपको सफिशियंट टाइम दूंगा नोटिंग का, बट फिर भी आप चाहें तो पॉज करके उसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी आप वीडियो देख रहे होंगे वहां पे आपको स्पीड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा। मोबाइल ऐप पे आप देख रहे हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। सो डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई वीडियो क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। सो बफरिंग वगैरह का इशू आपको नहीं आने वाला है। उसके अलावा जो आप रेजोल्यूशन वगैरह में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड अगर कभी आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पीड पे करना है, कम पे करना है, मैनेज कर सकते हैं। आपको सारे फंक्शंस वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। सो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे ना टैक्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मेजरली ये थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, मे बी 11th 12th में ग्रेजुएशन में जरूर इसको आपने देखा होगा। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जब गवर्नमेंट डायरेक्टली उस पर्सन से वो टैक्स कलेक्ट कर रही है जो उसको यूज कर रहा है पैसे को, मतलब जो उसकी वो अर्निंग है, जिससे कलेक्ट करना है उसी से वो कलेक्ट कर रही है। मतलब पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ऑन पॉकेट, पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है ना अपनी जेब से पे कर रहा है। सो लाइक इनकम टैक्स, यहाँ पे मेजरली कौन सी बात आती है, इनकम टैक्स। आप आपके पेरेंट्स आपके रिलेशन में जो भी हैं वो इनकम टैक्स पे करते होंगे, होपफुली करते होंगे। सो इनकम टैक्स जब पे करते हैं सो वहाँ पे क्या होता है, आपने अर्न करा है, आपकी अपनी सैलरी आई है, आपने कमाया है, सो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, आपको फिल सबमिट करना पड़ेगा किसके पास, गवर्नमेंट के। सो वो टैक्स किसकी जेब से गया, आपकी अपनी जेब से गया ना। देना किसका था, आप ही को देना था, और दिया किसने, आप ही ने उसको टैक्स को पे करा है। ठीक है, सो क्लियर है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो पर्सन अर्न कर रहा है वही उसको क्या करेगा, पे करेगा। सो यहाँ पे एग्जांपल में मेरे पास क्या आ जाता है, इनकम टैक्स आता है। सेकंड टैक्स, सेकंड टैक्स होता है मेरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब नाम से पता चला, इनडायरेक्ट तरीके से मैं उससे ले रहा हूँ। मतलब टैक्स तो मैं पे कर रहा हूँ बट वो मेरी जेब से नहीं जा रहा है। सर ऐसा कैसे होता है, मतलब देखो मैं बात करता हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, कंपनी कोई भी कंपनी ले लेते हैं अपने आप को, डोमिनोज लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में मन भी करता रहेगा खाने का। सो डोमिनोज की बात करते हैं, हम डोमिनोज हैं। सो मैंने अभी क्या करा है, आप जब डोमिनोज में जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, परचेज करते हैं। परचेज करने पे बिल पे आपको टैक्स मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने एक पिज़्ज़ा परचेज करा 100 रुपीज़ का, उसके ऊपर उस पर टैक्स लग गया, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 18 रुपीज़ का। ठीक है, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट है। सो 18 रुपीज़ का उस पर टैक्स लग गया, टोटल आपने कितना पे करा, 118 रुपीज़ पे किसने करा है, आपने किसको करा है, डोमिनोज के। वो 18 रुपीज़ टैक्स के
किसको आपने पे करें? डोमिनोज को पे करें। वो डोमिनोज अभी क्या करेगा? वो जो टैक्स आपसे कलेक्ट करा है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, क्योंकि टैक्स किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। टैक्स उस पर्सन का तो नहीं है ना, डोमिनोज की तो इनकम नहीं है, उसकी डोमिनोज की इनकम कितनी है? सिर्फ 100 रुपीज। सो 18 रुपीज जो आपसे लिए वो आपसे लेकर डोमिनोज किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। सो गवर्नमेंट को कौन दे रहा है टैक्स? डोमिनोज दे रहा है। क्या उसकी पॉकेट से गया? नहीं, पॉकेट से तो आपकी गया है, आपका नुकसान हुआ है, आपसे लिया और गवर्नमेंट को दिया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है। सो वो जो टैक्स जा रहा है मेरी पॉकेट से ना जाके वो मैं किसी और से रिकवर कर रहा हूँ। सो ये कैसा हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। सो पर्सन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कलेक्ट करते हो, गवर्नमेंट को पे करते हो, जैसे कि आज के टाइम पे GST, पहले वैट सर्विस एक्साइज और CST होता था हमारा। क्लियर हुआ है? आगे देखो, बीच बीच में ना कुछ इस तरह के कंटेंट आएगा, ये फाइल मैं आपको दूंगा। सो वहाँ पे आप इसको क्या करना, नोट डाउन कर लेना, ऐसा कुछ लगता है तो। जहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं पढ़ा रहा हूँ, यही चीज़ उसमें रिपीटेटिव है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे करते हैं। टैक्स के रिप्लेसमेंट देखते हैं। मैंने आपको कहा ना, पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, आज टैक्स चेंज हो गए, अभी मेजरली मेरा GST रह गया, बट GST के अलावा भी आज के टाइम में भी मेरे पास काफी सारे अदर टैक्सेस भी रहते हैं। सो पहले कौन से टैक्सेस थे जो कि GST के आने के कारण अब खत्म हो गए? सो उसमें मेनली कौन सा है? वैट। वैट क्या होता था? वैट ना गुड्स पे लगता था, सामान पे लगता था, जब मैं सेल करता था, परचेज करता था। वैट लगता था जब मैं एक ही स्टेट के अंदर परचेज करता था, लाइक मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैंने कहाँ से परचेज कर लिया? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में परचेज करा है। सो जैसे अभी मैं बात करता हूँ, अपने स्टेट की बात करता हूँ, उत्तराखंड। सो उत्तराखंड के अंदर दो सिटीज़ हैं, एक देहरादून एक हरिद्वार। मैंने हरिद्वार का से सामान खरीद लिया देहरादून में, देहरादून से हरिद्वार में खरीद लिया, परचेज कैसे चल रही है? सेम स्टेट के अंदर चल रही है। सो जब सेम स्टेट के अंदर आपकी परचेज सेल चल रही है तो वहाँ पे वैट लगता था। CST कब चार्ज होता था? CST चार्ज होता था आपका जब आप ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कर रहे थे, जैसे उत्तराखंड से महाराष्ट्र के बीच में कोई सामान सेल परचेज हुई है। सो मैं सेलर हूँ कहाँ का? उत्तराखंड का। आप कस्टमर हैं मेरे, आपने मुझसे कोई सामान लिया, आप कहाँ के कस्टमर हैं? महाराष्ट्र के। सो क्या लगता था इस टाइम पे? CST लगता था। फिर एक होता था हमारा सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स लगता था हमारा सर्विस पे। अभी क्या है, सर्विस पे भी और गुड्स पे भी GST लगता है। पहले दोनों पे ना मैं देखना पड़ता था कि वो गुड्स है या सर्विस है। गुड्स है तो अच्छा भाई उसके हिसाब से टैक्स लगाओ, सर्विस है तो सर्विस टैक्स लगाओ। एक्साइज लगता था जैसे ही मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करता था ना, सामान बनाया उस पर टैक्स पे कर दूँ। सो मतलब रिमूवल पे होता था ये भी, तो सामान बनाने पे प्रोड्यूस करने पे भी एक टैक्स लग जाता था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, तो एक्साइज अभी क्या हो गया? एबॉलिश हो गया, उसकी जगह क्या? GST आ गया। कुछ जगह आज भी ये टैक्सेस चल रहे हैं वैट CST, हम वो बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले लग्जरी टैक्स था, लग्जरी गुड्स वगैरह पे सामान लग पे लगता था। एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे कि आपकी मूवीज टिकट वगैरह पे पहले क्या लगता था? एंटरटेनमेंट। अभी क्या लगता है? वहाँ पे भी GST टैक्स लगता है आपका। अब कौन कौन से टैक्स रह गए जो आज भी सेम है? एक कस्टम, कस्टम होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। सो उस टाइम पे ना कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है मेजरली आपको इंपोर्ट पे। सो वो कस्टम आज भी लगती है। उसके अलावा इनकम टैक्स, अभी पढ़ा ना इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स है, वो तो डायरेक्ट टैक्स है, उसका इससे कोई रिलेशन है सच नहीं है। TDS, पेरोल, PF, ESI, ये सब भी मेरे आज भी लगते हैं। तो ये सारे टैक्सेस आज भी एप्लीकेबल हैं और वो भी, और GST तो डेफिनेटली आज के टाइम पे है ही। ओके, इसको भी आप क्या करें, नोट कर लीजिए। अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर GST, GST से पहले इनडायरेक्ट टैक्स का मेरा क्या सिस्टम था? देखो स्टार्टिंग से ना, जैसे अभी मैंने आपको वैट और CST का बताया, आज भी और पहले भी मुझे ना ये चीज़ देखनी होती थी कि मैं सेल और मतलब एक तरह से जनरल वर्ड बता रहा हूँ, डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। अगर मैं रफली एक बात करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ सेलर और बायर दोनों कहाँ के हैं, वो सेम स्टेट के हैं या डिफरेंट स्टेट के हैं। मैं बात करता हूँ उत्तराखंड में, लाइक मैंने उत्तराखंड में दोनों सिटीज आपको बताई, एक हरिद्वार एक देहरादून। ये तो पूरे चैप्टर में आपको याद ही हो जाएगा, आपका मन करने लगेगा सर आपसे मिलने हरिद्वार आते हैं। बिल्कुल आओ, मैं तो चाहता हूँ मिलने आओ, मिलेंगे ना। अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं आपको ऐसे जानता नहीं हूँ, देखा नहीं है, बट जब भी आप कभी भी हरिद्वार आओ तो मुझसे जरूर मिलना। ठीक है,
सिटी आपको हरिद्वार अच्छी है पता ही है, तो गंगा है वहाँ पे, हर की पौड़ी, बहुत सारी लोकेशंस है, तो ऋषिकेश जब भी आते हो तो मुझसे एक बार जरूर मिलना। अभी बात करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स की। सो इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने क्या बताया, इनडायरेक्ट टैक्स में पहले वैट और सीएसटी आता था मेजरली। सो वैट और सीएसटी में क्या हो जाता था कि अगर मैं सेम स्टेट के अंदर सेल परचेज कर रहा हूँ तो वैट लगता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कर रहा हूँ तो क्या लगता था, सीएसटी लगता था। बात क्लियर हुई? सो और सर्विस पे क्या लगता था, सर्विस टैक्स। अभी मैं क्या कहता हूँ कि पहले मुझे क्या करना पड़ता था, पहले ये देखना पड़ता था कि वो गुड्स है या सर्विस है। क्यों, गुड्स होगी तो मुझे क्या लगाना होगा, एक तो मुझे वैट लगाना होगा या फिर सीएसटी लगाना होगा। अगर सर्विस होगी तो क्या लगाऊंगा, वहाँ पर सर्विस टैक्स लगाऊंगा। एक्साइज भी मैंने एक टैक्स बताया ना आपको, एक्साइज किस पे लगता है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे। जैसे आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करा उसके ऊपर टैक्स लग गया। लाइक मैंने क्या करा, मोबाइल है, सो मोबाइल इस कंपनी ने मोबाइल जैसे ही मैन्युफैक्चर करा है, सो उसके बाद जैसे जब ये सेल करेगा ना अपनी फैक्ट्री से रिमूव करते थे तो उसके ऊपर क्या लग जाता था, एक एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी, वो हाँ एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी आपकी। सो अब तो ये सिस्टम नहीं है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि अभी तो देखो एग्जिस्ट नहीं करता है तो इतने ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा पता होना चाहिए। पहले क्या होता था कि अगर ये देखते थे गुड्स बनाने के बाद कि भाई मैं डीलर हूँ या मैन्युफैक्चरर हूँ, डीलर हूँ या मैन्युफैक्चरर, फिर देखता था विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है। विद इन स्टेट है तो मैं क्या लगाऊंगा, वैट। आउटसाइड स्टेट है तो क्या लगाऊंगा, सीएसटी। सेम स्टेट के अंदर सेल परचेज कर रहा हूं तो क्या लगाऊंगा, वैट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल परचेज कर रहा हूं तो क्या लगाऊंगा, वहां पे मैं सीएसटी चार्ज करूंगा। बाय मैन्युफैक्चरर, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग हूं, मैं मोबाइल बनाने का काम है मेरा, सो देखो भाई वैट और सीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा मुझे एक टैक्स और देना पड़ जाएगा। कौन सा टैक्स, एक्साइज। सो मुझे एक्साइज भी अभी पे करना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर, भाई सर्विस प्रोवाइडर को तो टेंशन फ्री थी, उसको तो क्या चार्ज करना था, सर्विस टैक्स चार्ज करना था, उसे कोई टेंशन नहीं है कि विद इन है या आउटसाइड है, उसे तो क्या चार्ज करना है, सर्विस टैक्स चार्ज करना है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर वाला ये डीलर वाला कंसेप्ट तो आता ही नहीं है, सर्विस तो एक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अभी इसमें क्या मैन्युफैक्चरर और क्या डीलिंग, एक ही चीज़ होती है ना यहाँ। सो इस केस में यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सर्विस टैक्स आ जाएगा आपका। डन है ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स अब कैसा हो गया, ये तो भाई जो हमने पढ़ा ये बाबा आदम के ज़माने का पढ़ा, मतलब हिस्ट्री पढ़ी हमने कि राजा महाराजा कैसे करते थे। राजा महाराजा नहीं, सिर्फ 2017 से पहले की बात है ये, सो ऐसा भी मत चले जाना जस्ट फॉर अ जोक। अभी आज के टाइम पे कैसा चलता है उस चीज़ को देखते हैं। आज के टाइम पे ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं गुड्स बना रहा हूँ या मैं सर्विस बना रहा हूँ, हर चीज़ में मुझे सेम, मुझे बस इतना मैन्युफैक्चर हूँ या डीलर हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मुझे एक चीज़ देखनी है, सेम स्टेट आउटसाइड से, इसके अलावा मुझे कोई मतलब ही नहीं है। एक चीज़ पहले मैं जिस तरह से हाईलाइट कर रहा हूँ ना उतना देखना। इनडायरेक्ट टैक्स, अगर मैं विद इन स्टेट कर रहा हूँ सेम स्टेट में, CGST, SGST, CGST, SGST, CGST, SGST, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना मुझे। आउटसाइड स्टेट कर रहा हूँ तो कैसा कर रहा हूँ, IGST, 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 मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि गुड्स हैं या सर्विस है, डीलर है, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बात आती है, सर ये क्या लिख दिया, अभी तो आपने GST बोला था, ये CGST, SGST, IGST, ये क्या क्या आ गए। हाँ ये आ गए, एक्चुअल में ना जीएसटी के अंदर मैं बात करता हूँ तो तीन तरीके के टैक्स है, एक्चुअल में चार हैं, तो तीन तरीके के टैक्स हैं, CGST, SGST, IGST। इससे आगे हम उसी को पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए इतना मान के चलो जब एक ही स्टेट के अंदर सेल परचेस करते हो ना तो उस टाइम पे आप क्या लगाते हो, CGST और SGST दोनों एक साथ मिला के चार्ज करते हो। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हो, जैसे उत्तराखंड से महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड से दिल्ली हो गया, उत्तराखंड से यूपी हो गया, ये महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल हो गया, इस तरह से कहीं पे भी मतलब दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है तो आप क्या चार्ज करते हो, IGST। अभी इनका मतलब क्या होता है, इनको कैसे कैसे चार्ज करते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। बाय बाय, इसको पूरा का पूरा आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। अभी नई बात आती है कि जीएसटी आया कब था, और जो अभी हमने देखा CGST, IGST, ये सब कौन से जीएसटी है। देखो जीएसटी ना एक फैमिली है जिसकी ये मेंबर्स हैं, एक तरह से ऐसे कह सकते हो, तो उन चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं, व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, जीएसटी आया कब था, जीएसटी कब आया था, ये आया था 1 जुलाई 2017, ठीक है। सो बहुत टाइम हो गया है अभी, कब आया था, 1 जुलाई 2017 को ये एप्लीकेबल हो गया था। उसके बाद से हर जगह क्या लगना चार्ज होना शुरू हो गया था, कौन सा टैक्स एप्लीकेबल हो गया था, जीएसटी। डरने वाली बात,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी, ये वाला आप फाइल से एक बार रीड कर लेना, पॉज करके रीड करना चाहते हो कर सकते हो। देखो पूरी क्लासेस ना मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाली है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये लेक्चर आपका बहुत 2-3 महीने चल रहे हैं कुछ, क्यों मेरी तरफ से एफर्ट्स कम होंगे आपकी तरफ से हो जाएंगे, आपको टाइम लग जाएगा। रीज़न बीइंग देखो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ नोटिंग तो नहीं कर रहा हूँ ना, क्लास में क्या होता है क्लासरूम में मैं नोटिंग करता हूँ, तो यहाँ पे तो वो नोटिंग नहीं है। क्लासरूम में क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो तो एक तरह से 70% टाइम तो बोर्ड पर लिखने में चला जाता है, यहाँ पे वो सब नहीं है, 70% टाइम तो वहाँ सेव हो गया। सेकंड, मुझे आपको लिखने के लिए टाइम देने के लिए एज सच कुछ ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सो उसके रीज़न से क्या होगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आगे स्किप कर रहा हूँ, आगे चलो। सो आप पॉज करके लिख रहे हो तो वहाँ पे टाइम जा रहा है बट वीडियो की लेंथ कम हो रही है। इससे पता है क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपका ना जो डेटा यूज हो रहा है ना वो कम हो गया है। अभी आपको डेटा ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, क्लास की लेंथ शॉर्ट होगी तो डेटा भी तो कम कंज्यूम करना पड़ेगा, अपने हिसाब से उसको पॉज करके लिख सकते हो। सो कन्वीनियंट है ये, ओके। हाँ अभी बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी हमारे पास मेनली 3 तरीके के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जैसा हमने देखा वो किस चीज़ पे लगते हैं, लोकल सेल पे लगते हैं, जब सेल कब कर रहे हैं विद इन द स्टेट कर रहे हैं, एक स्टेट के अंदर ही जब हम सेल परचेज कर रहे हैं तो उसको क्या वहाँ पे क्या चार्ज करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और IGST हमारा कब चार्ज होता है, जब हम इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बात कर रहे हैं सेल, तो उस टाइम पे क्या चार्ज होगा, IGST चार्ज होगा। ठीक है, सब कुछ नोट करना है, नोट पूरा करते चलना, डजेंट मैटर आप कौन से लेवल के हो, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो क्लासेस 12th क्लास से लेकर एक काफ़ी बड़ी एज के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस क्लास को देख रहे होंगे। सो ये मत सोचना कि ओके इसको इजीली ले लेते हैं, अभी नोटिंग की आदत नहीं रही, नहीं, उसको लिखने रखना, एक डायरी बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, सो दैट सब कुछ आपको जब भी एक बार देखना हो ना तो आपको वहाँ पे ही मिल जाएगा। सारी की सारी प्रेजेंटेशन ग्राफिकल फॉर्म में रखिए, टेक्सचुअल फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं रखिए। रीजन बिंग उसको रिकॉल करना, माइंड में फिक्स करना और एकदम दोबारा से चेक करना आपके लिए ईजी हो जाता है। पूरी डिटेल आपको चाहिए होगी तो पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको ICAI का वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको सारा का सारी डिटेल बहुत अच्छी लैंग्वेज में मिल जाएगी। बट उससे मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, कंटेंट सारा मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बुक आपकी 700 पेजेस की हो जाएगी, तो 700 पेजेस यहाँ कवर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर तो वो क्लासरूम रीडिंग हो जाएगी, उसको कवर करते करते हमारे महीने लग जाएंगे। ठीक है ना, फिर तो आप क्या करना, CA फाइनल की क्लास ले लेना, उसमें एक एक वर्ड डिस्कस हुआ है। ओके, सो जोक्स अपार्ट, जस्ट टेक इट ईजी। GST में CGST, SGST, IGST हमने देख लिया है। इसकी ना मैं आपसे पहले फुल फॉर्म डिस्कस कर लेता हूँ, सेंट्रल स्टेट और इंटीग्रेटेड होती है, वो लिखा होगा, कहाँ गया वो फाइल, चलिए इसमें मुझे अभी देखते हैं आगे होगी या किस तरह से मिस हो रखा है, तो आप उसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST का मतलब होता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और IGST का मतलब होता है, ध्यान से, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप जब किसी से डिस्कस करेंगे ना, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो इसको इंटरस्टेट GST बोलेंगे, नहीं, इंटरस्टेट पे लगता है वो ओके है बट फुल फॉर्म में इंटरस्टेट नहीं है, फुल फॉर्म का है इसमें इंटीग्रेटेड GST। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक फोर्थ हमारा टैक्स होता है UTGST। UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी GST। जो यूनियन टेरिटरीज हो गई, जैसे मैं अगर बात करता हूँ चंडीगढ़, दिल्ली, सो वहाँ पे तो अभी दिक्कत होगी ना, वहाँ पे तो मैं स्टेट वाला कैसे लगा सकता हूँ क्योंकि वो तो स्टेट है ही नहीं। सो उसके लिए वहाँ पे क्या अलाउ करा है, उन्होंने कहा है UTGST चार्ज होगा। सो कंसेप्ट सारे सेम है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, बट हाँ वहाँ पे अभी मैं उनको स्टेट नहीं बोल सकता हूँ, तो मेजरली ये रीज़न है कि उसको हमने UTGST एक नाम दे दिया है। क्लियर है वाली बात? सो हमारे पास अभी 4 तरीके के टैक्स हो गए, CGST, SGST और IGST एंड UTGST। UTGST को मैं एक तरह से कैसे हर जगह कहाँ पे यूज़ करूँगा, SGST की जगह। सो मतलब अगर जैसे मैं कोई यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे कौन से टैक्स लग जाएंगे मेरे, CGST प्लस UTGST, वहाँ पे SGST नहीं होगा। क्लियर है ये वाली बात? अभी GST का इम्पैक्ट देखते हैं, ये ना एक जनरल है, स्लाइटली देखते हैं इसको, GST से कैसे कैसे क्या क्या इम्पैक्ट आए।
कुछ चीज़ें, ये जो स्लाइड है ना ये वाली, ये इनिशियल स्लाइड है, क्योंकि अभी टाइम टू टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट इसकी टैक्स हर चीज़ों के चेंज करती रहती है, कभी कोई चीज़ का टैक्स कम कर देती है, कभी ज़्यादा करती है, तो वो डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, मतलब डेली बेसिस इन द सेंस रेगुलर बेसिस पे। सो एक जनरल यहाँ पे गाइडलाइन देखते हैं कि क्या चीज़ों पे क्या चीज़ें फ़र्क पड़ा। चीप, कौन सी चीज़ें सस्ती होगी, फूड आइटम्स जैसे थी मैदा, बेसन, सॉल्ट, बेसन, अनब्रांडेड आटा, अनपैक फ्रूट ग्रेन, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये सब चीज़ें क्या हो गई, सस्ती होगी। प्रेशर कुकर, पैन, एंटरटेनमेंट टिकट वगैरह जो हो गए, जो मेरे 100 रुपीज़ से नीचे के थे, वो कम हो गए। जब आपने बुक माई शो वगैरह पे टिकट बुक करने शुरू करे होंगे 100 रुपीज़ से नीचे वाले, GST आने के बाद वो सस्ते हो गए। वो बात अलग है, बाद में मोस्टली सिनेमा हॉल्स ने टिकट की वैल्यू बढ़ा दी, बट टैक्स कम हो गया था उसके ऊपर, तो टिकट सस्ते हो गए थे हमारे। होटल्स पे, पर्सनल केयर आइटम्स पे, अदर फुटवेयर वगैरह पे, ट्रैवल आइटम्स पे, इन चीज़ों पे हमारी कैसे होगी, चीज़ें सस्ती होगी, टैक्स सस्ता कम हो गया तो चीज़ें भी हमें सस्ती मिलने लगी। कुछ चीज़ें महंगी होगी, जैसे मैं बात करता हूँ लग्जरी होटल्स हो गए हमारे, टी, कॉफ़ी, डाइनिंग रेस्टोरेंट, पर्सनल केयर हो गई, सर्विस, कॉरियर सर्विसेज हो गई, तो ये सारी चीज़ों पे हमारा कैसा हो गया, इन चीज़ों पे हमारे टैक्स रेट थोड़ा हायर लेवल पे चले गए। सो आप एक काम कर सकते हैं, मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ, आप इनमें से रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं, कुछ नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, जनरल जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। सो इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो आप आराम से लिख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट दिखाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें आगे का डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं GST के रेट्स, कि GST के कितने रेट्स होते हैं। देखो GST में जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है ना, वो सिर्फ ये वाले हमारे 5 टैक्स रेट एप्लीकेबल्स हैं। कौन कौन से, 0%, मतलब एक तरह से क्या इस पर कोई GST लगना ही नहीं है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि GST नहीं लगेगा, हम इसको कैसे बोलते हैं, GST लगता है बट किस रेट पे, 0% पे। तो बात जनरल टर्म्स में मैं रेगुलर एक बात करता हूँ तो वो सेम मतलब सेंस निकलती है, टेक्निकली जाता हूँ तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। फिर एक 5%, 12%, 18% और 28%, ये हमारे पास टैक्स रेट के स्लैब्स हैं। मतलब किसी चीज़ के ऊपर जो टैक्स लगेगा ना, इन 5 रेट में से कोई से एक रेट पर लगेगा, इसके अलावा किसी और रेट पर नहीं लगेगा। लाइक मैं किसी भी चीज़ के ऊपर 15% का टैक्स रेट नहीं लगा सकता, मुझे किसी भी चीज़ के ऊपर 15% का GST नहीं मिलेगा। सो गवर्नमेंट ने 5 स्लैब्स दे दिए कि ठीक है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, इनमें से 5 में से कोई सा एक टैक्स आपका, उसके ऊपर रेट आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, कहीं कहीं मैं आपको क्या करूँगा, एग्जांपल लूँगा 10% GST का। सो एडवांस में बता रहा हूँ, तब भी मैं आपको बताऊँगा 10% का कोई GST का रेट नहीं है, वो सिर्फ हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि 10% कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, 18%, 28%, 12% कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो फॉर ईजी कैलकुलेशन, बाकी सिर्फ हमारे पास यही टैक्स रेट होते हैं। सो 0% में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जिस पर हमारा कोई टैक्स नहीं है, जैसे आपका मीट, फिश, एग, वेजिटेबल्स, मिल्क। 5% जो हमारा रहता है वो किस पे हो गया, फ्रोजन फूड, फिश, स्किम मिल्क, योगर्ट, सो नॉर्मल चीज़ें। सो इसके ऊपर हमारा ये टैक्स हो जाता है। क्या मुझे ये टैक्स रेट याद करने हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ये देखिए, आप अपने पास ऐसे ना एक बार गर्दन घुमा के देखिए, जहाँ पे भी आप बैठे होंगे कितनी सारी चीज़ें रखी होंगी। आपके पास क्लाइंट आएगा, उसको कौन से चीज़ के लिए आप कैसे टैक्स रेट याद रख सकते हो, वो टैक्स कंटिन्यूसली चेंज भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से हम सारे टैक्स रेट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, कि कैसे पता कर सकते हैं कि किस चीज़ का कितना टैक्स रेट है, लेटेस्ट टैक्स रेट, ठीक है, वो सब हम सीखेंगे। तो हमें वहाँ से, ये सिर्फ एक जनरल आइडिया देने के लिए आपको कि हाँ ये वाले मेरे पास टैक्स रेट स्लैब्स रहते हैं। तो आप क्या करिए, इन टैक्स रेट्स को नोट डाउन कर लीजिए कि ये टैक्स रेट्स हैं मेरे, और इसके अंदर ये वाला मेरा सारा का सारा कुछ आइटम्स जो इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट लगती है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। पास्ता,
उठ के मैं चले जाना, क्लास पूरी करके फिर जाना, पता चला पास्ता पढ़ते कि सर हम तो जा रहे पास्ता खाने, पूरा पढ़ो फिर जाना। च्युइंगम, वेफल्स, इन सब चीज़ों पे क्या है ना, सबसे ज़्यादा टैक्स रेट है 28%, तो ये चीज़ें महंगी हो गई हैं एक तरह से, तो ठीक है। ओके, और ये बात देखो इसमें ना मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी है, ये आपको फाइल में मिल जाएगी, जहाँ पे आप फाइल देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारा अवेलेबल हो जाएगा। और देखो ये क्लास मैटर करता है आप कौन से प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं, कुछ जगह हो सकता है आपको ये वाली पीडीएफ अवेलेबल ना हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे ले रहे होंगे वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसको प्रिंटेबल फॉर्म में बिल्कुल देने के लिए रेडी नहीं हूँ। आई डोंट वॉन्ट कि आपको प्रिंट इसको प्रिंट करें और लिख लें, ठीक, जितना नोट डाउन करना है यहाँ से कर सकते हैं, मैं आपको आराम से पॉज करके दिखाने के लिए ओके हूँ। सी ये एक रेट है जो पुराने रेट हैं डेफिनेटली, क्योंकि डेली बेसिस पे अगेन सेम चेंज होते रहते हैं, सो एक जनरल है कि हाँ जनरली ये चीज़ रेट पे फ़र्क आया। जैसे वीट, पहले इस पे 2.5% का GST वो टैक्स लगता था, अभी क्या है 0% है, इस पे कोई टैक्स नहीं है, सस्ते हो गए। तो अभी ना गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो डेली नीड्स के आइटम थी ना बिल्कुल बेसिक, उन पे मोस्ट ऑफ देम पे क्या करा है 0% कर दिया, उनको GST से बाहर रख दिया कि चीज़ें सस्ती हो जाए। तो वाली चीज़ें जैसे मिल्क पाउडर पहले 6 था 5 हो गया था, फिर स्पाइसेस, मसाले, मस्टर्ड सॉस, ये सारी चीज़ें। सो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको देखने की भी, बट एक स्लाइटली आप इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और फिर हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं GST के कारण। ओके, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर रहा था कि GST इंडिया में आया क्यों है, तब मैंने आपको कहा था मैं आपको एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कस जो हम करेंगे बाद में करेंगे। इंडिया में GST आने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से कुछ रीजंस ही हैं, ये हम बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं GST आने के कारण हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए, और ये बेनिफिट्स हुए इसीलिए तो GST आए कि हमें ये फ़ायदे मिल सके। तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं, इसको आप बाय द टाइम उसने बाद में नोट डाउन भी कर लेना। बेनिफिट्स में क्या है, सबसे पहला क्या है, क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया पहले जो टैक्स थे ना वैट स्पेशली, और उसके अलावा एक्साइज भी काफ़ी लेवल तक, वो भी स्टेट टू स्टेट डिफरेंट करता था, उसके अलग अलग रूल्स, हर स्टेट के अपने रेट, सब कुछ मैटर कर जाता था। तो अभी क्या हो गया कि कॉमन मार्केट हो गया, आप पढ़ रहे हो तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी सेम रूल्स लगेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं जरा सा बता रहा हूँ, इस पर हमारा काफ़ी डिस्कशन होगा, लेंथी डिस्कशन होगा, प्रॉपर तब देखेंगे। ITC का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC भी बोलते हैं हम इसको, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट कहती है जब आपने परचेज करा होगा ना किसी से सामान, तो आप क्या होंगे, कस्टमर होंगे। क्या करा, मैं बात कर रहा हूँ कोका कोला ने क्या करा, फिलिप्स से क्या करिए अपने लाइटनिंग वगैरह परचेज करिए लाइट्स, सो वहाँ पे उसने पे करके आया होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, कोका कोला क्या हो गई, कस्टमर हो गई, किसके, फिलिप्स के लिए। सो उसने फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ पे करके आई है, उसके ऊपर 100 रुपीज़ का GST पे करा है, कोका कोला ने फिलिप्स को 100 रुपीज़ का GST पे करा है। गवर्नमेंट कहती है कि आपने ये पैसे हमसे वापस ले लेना, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो अभी ना पहले ये कम मिलता था हमें वापस, अभी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम चीज़ों पे हमें अलाउ कर दिया, तो यहाँ पे फायदा हो गया कि मतलब आपने जो टैक्स दिया ना वो पैसे वापस मिल जाएंगे, पैसा वापस मिलता हुआ तो फायदा ही है। सो वो वाली बात है। रिड्यूस लॉजिस्टिक्स एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, इससे ना मेरी लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे होगी, मतलब सामान को भेजने करने का खर्चा, और उसके अलावा इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब जो मेरे पास स्टॉक रखा है ना मैंने, उसकी कॉस्ट कम हो गई है। इसके लिए एक वीडियो देखते हैं, वहां से हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। OMG, देखते हो ये वीडियोस? देरी हो रही है मैनू, बच्चे की जान लेगा क्या, दे तो दिया टैक्स यार, छड़ो यार देरी हो गई है, और की चाहिदा तेनू, वो क्या चाहिदा है, वो क्या चाहिए यार। पहले पता क्या था
कि जब आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था ना, लाइक मैं बात कर रहा हूँ, मुझे उत्तराखंड से तमिलनाडु सेंड करना है, बहुत मतलब दोनों लगभग लगभग एक दूसरे के कोने में हो गए इंडिया के, ठीक है। सो वहाँ से मुझे वहाँ पे सेल सेंड करना है, मैंने क्या करा, एक गाड़ी को भेज दिया। अब गाड़ी हर स्टेट से होते हुए जाएगी ना, बीच में कितने सारे स्टेट्स आएंगे, हर स्टेट की बॉर्डर पे ना वहाँ पे चेकिंग होती थी कि आपका सामान क्या है, उस पर आपने जितने टैक्स पे करने थे कर दिए हैं ना, और टैक्स भी पहले कितने सारे टैक्स हो जाते थे, तो कभी वो कहते थे सर्विस टैक्स दिखाओ, वैट दिखाओ, एक्साइज दिखाओ, ये सब। तो उन चीज़ों में क्या होता था, मान लीजिए यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए बीच में 5 स्टेट्स आए, तो 5 बार उसको रुकना पड़ा, 5 बार रुका उस, अब इतनी लंबी लाइन लगी होती थी चेक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ तो सिंगल पर्सन है तब इसको इतना टाइम लग रहा है, बट लंबी लंबी लाइन लगी होती थी चेक कराने के लिए। सो उसमें वेट करते रहो, फिर वहाँ पे क्या है, उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक कराओ, फिर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको सॉल्व करो। सो सामान पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता था पहले। मैं क्या लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, कितना टैक्स लोगे यार, तो देरी हो रही है, मैं बेचारा परेशान हो गया सर जी, माल खराब हो जाएगा। अब मैं क्या एक्साइज देखा ना, एक्साइज भी टैक्स टैक्स टैक्स। अभी ये बिग बाजार पहुंच रहा था डिलीवरी के, वहाँ पे टाइमली पहुंचना था ना, इसके कारण लेट हो गया और डिलीवरी नहीं हो पाई। मतलब अभी कंपनी ने कह दिया कि भाई सामान लेट हो गया, अब हम नहीं ले सकते, होता है ना। तो मतलब एक जरूरत होती है किसी चीज़ की, उस टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो गड़बड़ हो जाएगी। GST के बाद क्या इम्पैक्ट आया, ओए तो कमाल हो गया यार, एक बार GST दिया और मक्खन मलाई वाला ट्रैफिक कोई नहीं रोकेगा तो। मैं निकला GST दे के रास्ते पे, और कोई ना मोड़ आया ना कोई टैक्स लेने आया, ओए वाह भाई वाह। सो अभी क्या हो गया, GST के बाद ना सब कुछ इजी हो गया, मतलब एक ही टैक्स है, और इसमें भी ना अभी ईवे बिल वाला सिस्टम आ गया है। सो उसके कारण ऑटोमेटिक हो गया, सब कंप्यूटराइज हो गया, सो इतना भी रुकना करना नहीं पड़ता है। सो बहुत स्मूथली फ्लो होता चला जाएगा, मतलब आपकी गाड़ी को इतना वेटिंग टाइम नहीं हुआ, तो इसके कारण बहुत टाइम सेव हो जाता है। अभी इससे लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे सेव हुई, देखो आपने क्या करा, एक व्हीकल को हायर करा, लाइक एक ट्रक वाले को आपने हायर करा कि भाई मेरा सामान पहुँचाओ। उसने क्या कहा, मैं पर डे आपसे ना 5,000 रुपीज़ चार्ज करूँगा। सो जितना डिले होता जाएगा उतना मेरा खर्चा हो रहा है ना, पर डे 5,000 रुपीज़ मेरे एक्स्ट्रा जा रहे हैं। सो अभी पहले उसको लग रहे थे अगर 20 डेज, और अभी वो पहुँचा पा रहा है 10 डेज में, तो मेरी 10 डेज की कॉस्ट सेव हो गई। प्लस कई बार क्या होता था, सामान खराब होने वाला, जो जल्दी चीज़ें खराब हो जाती हैं, लाइक मैं बात करता हूँ जो हमारे ना ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर FMCG वाले हो जाते हैं, फास्ट मूविंग गुड्स जो जाती है कंज्यूमेबल गुड्स, या मैं जैसे ब्रेड हो गया। सो उसको मैं इतनी दूर तक ट्रांसफर करना मेरे लिए पहले पॉसिबल ही नहीं हो पाता था, सामान खराब हो जाता था। अभी क्या है कि मेरे लिए चांसेस बढ़ गई हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसको वहाँ पर टाइमली पहुँचा सकता हूँ। सो मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट भी सेव हो गई कि सामान अभी मैं पहुँचा सकता हूँ, मेरी सेल भी बढ़ी है। पहले मुझे ना वहाँ पर अलग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना पड़ता था, लाइक मैं तमिलनाडु के पास में सेल करना चाहता हूँ, एक अपनी कंपनी वहाँ पर सेटअप करनी पड़ेगी, सो दैट वहीं के वहीं मैन्युफैक्चर होकर वहीं के वहीं डिलीवरी हो जाए। अभी मुझे लगता है कि नहीं, टाइम टू पहुँच जाएगा, मुझे स्पीड बढ़ गई है मेरी डिलीवरी की, तो हो सकता है कि मैं उत्तराखंड से वहाँ पर डायरेक्ट भी सेल कर दूँ। हाँ डेफिनेटली मैं सब चीज़ों की कैलकुलेशन करूँगा, मुझे क्या चीज़ सस्ती है क्या महंगा पड़ रहा है, वो एक अलग चीज़ है। सो यहाँ पे मेरी इन चीज़ों की कॉस्ट कम हुई है। ट्रांसपेरेंसी एंड ऑटोमेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑटोमेशन का मतलब है कि चीज़ें ना अब ट्रांसपेरेंट हो गई हैं और ऑटोमेट हो गई हैं। अभी सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया, सो आपको जो भी चीज़ देखनी है ना सब कंप्यूटराइज है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है। जब आप परचेज करते हो ना वहाँ पे, मतलब अभी हम समझेंगे GST R2A वगैरह वो सब चीज़ें समझेंगे, तो परचेज करी है उसने, टैक्स आपका जो आपसे टैक्स लिया था गवर्नमेंट को पे किया है या नहीं किया आपको वो दिखेगा। आप भी जितना टैक्स आगे चार्ज कर रहे हो वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट को भी सब ओके रहता है। सो सब कंप्यूटराइज हो गया, सो यहाँ पे सब ऑटोमेटिक चीज़ें हो गई, तो ये भी मेरा अभी क्या हो गया, बेटर तरीके से हो गया। पैरिटी इन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब पैरिटी मतलब इक्वलिटी हो गया। पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में अलग अलग था ना, किसी पे आपका वैट CST वगैरह लग रहा है, किसी पे सर्विस टैक्स, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती थी, गुड्स ज़्यादा महंगी हो जाती थी, सर्विस थोड़ी सस्ती पड़ जाती थी। अभी सब पे इक्वल है भाई, सब चाहे गुड्स दे रहे हो चाहे सर्विस दे रहे हो, सब पे क्या लगेगा, GST लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले ना मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट होता है, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स।
पहले क्या था कि जैसे ना, मतलब आपको जो मैंने बताया ना आईटीसी वाला कंसेप्ट एक तरह से, तो वो नहीं मिलता था। उसके ऊपर टैक्स के ऊपर भी टैक्स चार्ज करना होता था। पहले आपने एक्साइज ली, 100 रुपये बड़ी अमाउंट लेते हैं, 1000 रुपीज़ पे आपका 100 रुपीज़ का एक्साइज आ गया, ठीक है, 1000 पे 100 रुपये। अभी इसके ऊपर जब आप वैट चार्ज करोगे ना, तो 1000 रुपये नहीं लगाओगे, 1100 के ऊपर टैक्स चार्ज करोगे। अब देखा जाए 1100 के ऊपर जब मैं टैक्स चार्ज कर रहा हूँ, तो 1100 में 100 रुपीज़ तो ऑलरेडी टैक्स की वैल्यू थी ना, सो मैंने टैक्स के ऊपर भी टैक्स चार्ज कर दिया। समझ आई बात? सो वो भी मेरा क्या हो गया, कास्केडिंग इफेक्ट हो गया। अभी ये सब चीज़ें रिमूव हो गई हैं। रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस एंड ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। अभी मल्टीपल टैक्सेस से, पहले वो सब चीज़ें इतनी सारी टैक्सेस थे, अभी वो सब खत्म। एक चीज़ पढ़ो, जीएसटी पढ़ो, कोर्स कंप्लीट कर पा रहे हो, जीएसटी सीख पा रहे हो। क्यों सीख पा रहे हो इतनी जल्दी और इतने आराम तरीके से? क्योंकि अभी सिर्फ जीएसटी पढ़ना है। पहले सोचो, आपको इस तरीके की कुछ एक्सपर्टाइज लेनी होती, वैट अलग पढ़ो, एक्साइज अलग, सीएसटी अलग, सर्विस टैक्स अलग, कितने सारे टैक्सेस पढ़ोगे, वो इतने ही कॉम्प्लिकेटेड, तो दिक्कत आती थी। अभी ये सब चीज़ें आपके लिए क्या हो गई, ईजी हो गई। सो आप ये बेनिफिट्स भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो पीछे हाइड हो रहा है ना, पहले इसको आप चाहे लिख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना सब नोट करके रखिए, इसको पढ़ते रहिए, रोज आप एक एक वीडियो भी देखेंगे, आराम से कवर हो जाएगा आपका। सो बहुत ज्यादा बर्डन मत लेना, चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, हमने अभी तक जो देखा है उसमें हमने देखा है कि टैक्सेस जो जीएसटी में है, मेनली अगर मैं बात करता हूँ तो तीन तरीके के आ जाते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, जिसमें हमने ये भी देखा है कि जब हम सेम स्टेट में करते हैं, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब सेम स्टेट, जैसे हम कहते हैं ना इंटरनेशनल, मतलब दो नेशन के बीच में, तो ऐसे ही इंटर स्टेट मतलब टू स्टेट्स के बीच में। जब मैं कह रहा हूँ इंट्रा स्टेट, इट मीन्स सेम स्टेट में। सो जब इंट्रा स्टेट होता है तब हम कौन से टैक्सेस लगाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जहाँ यूटीजीएसटी होता है वहाँ यूटीजीएसटी लग जाता है। उसके अलावा अगर हम इंटर स्टेट कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो हम कौन सा चार्ज करते हैं, आईजीएसटी। अभी बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा टैक्स रेट है 18%, अगर मैंने इंटर स्टेट सप्लाई करा, यहाँ से देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं थोड़ा सा, मैंने इंटर स्टेट सेल करा है, मतलब एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में सेल करा है, सो मेरा क्या लगेगा चार्ज, आईजीएसटी चार्ज होगा उसमें। फॉर एग्जांपल जो मैंने सेल करी है ना, वो रुपीज़ उसकी कितनी वैल्यू थी, 1 लाख रुपीज़ की थी, इस पे जीएसटी का फॉर एग्जांपल रेट कितना था, 5%, तो मैं क्या करूँगा आईजीएसटी चार्ज कर दूंगा 5%। किस पे, इस पे 5% चार्ज करूँगा, 1 लाख पे 5%, मेरा 5000 आ गया, तो टोटल वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 1,05,000। सो कस्टमर से जो मैं पैसे लूँगा वो कितने कलेक्ट करूंगा, 1,05,000, 1 लाख मेरी सेल वैल्यू, 5,000 रुपीज़ मेरे टैक्स। बात आती है जब मैं सेल कर रहा हूँ विद इन सेम स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर सेल कर रहा हूँ, सो उस केस में मेरे पास दो टैक्स लगने होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेल कितनी थी, 1 लाख, तो भाई टोटल टैक्स तो मेरा सेम लगेगा, मतलब पहले भी 5% लग रहा था, आज भी 5% लगेगा, पहले 5,000 लग रहा था, आज भी 5,000 लगेगा, मगर मैं क्या करूँगा उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। दो पार्ट में स्प्लिट कैसे, सीजीएसटी में मैंने 5 का हाफ कर दिया 2.5%, एसजीएसटी में कर दिया 2.5%, टोटल मिला के 5 हो गया ना। सो 1 लाख को मैं क्या करूँगा, 2,500 और 2,500, टोटल मिला के कितना हो गया, 5,000। सो टोटल वैल्यू अभी कितनी आ गई, 1,05,000। सो टैक्स कौन सा लगा रहे हो उससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, बट इस पे डिपेंड करता है कि मुझे टैक्स वहाँ पे चार्ज कौन सा करना है। एक्चुअल में क्या होता है, जब सीजीएसटी एसजी होता है तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, तो ये वाला पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और जो एससीएसटी होता है वो किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ऐसे जब मेरा आईजीएसटी होता है, वहाँ सारा का सारा पैसा किसके पास जाता है, आईजीएसटी के पास, मतलब सेंट्रल के पास जाता है, वो बाद में अपने हिसाब से फिर किसको देती है, स्टेट को देती है। सो सीजीएसटी एसजीएसटी में मैं अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मैं स्टेट और सेंट्रल को पे कर रहा हूँ, वहाँ पे आईजीएसटी के केस में क्या है, मैं सेंट्रल को पे कर रहा हूँ और वो बाद में ट्रांसफर कर रही है किसको, स्टेट में। क्लियर है ये वाली बात? देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं सीजीएसटी एससीएसटी और आईजीएसटी के बीच में। तो फुल फॉर्म है, जैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल, इसकी स्टेट और इसकी क्या, इंटीग्रेटेड। ये जो सीजीएसटी होता है विद इन स्टेट होता है, विद इन स्टेट होता है, ये आउटसाइड स्टेट होता है।
चार्ज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसको कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और इसको भी मैंने क्या बताया आपको, कौन चार्ज कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इससे ना सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स खत्म हो गया, इससे वैट वगैरह खत्म हो गया, और इससे मेरा CST खत्म हो गया। सो मतलब ये पहले के टैक्सेस हैं कि अभी किसको रिप्लेस करके ये टैक्सेस आए हैं। पहले मैंने बताया था ना ये सारे टैक्सेस होते थे, तो एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा चाहिए वाला पॉइंट लास्ट वाला इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली मेरे इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आप पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, टाइप्स ऑफ सेल्स को एक बार नोट डाउन कर लीजिए इस एग्जांपल को प्रॉपरली। और इसके बाद ये डिफरेंसेस सारे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? क्लास को पॉज कर लेना और इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, ठीक है? ओके, पॉज कर लो, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आउटपुट और इनपुट टैक्स। आउटपुट GST और इनपुट GST क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसको ना थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, ओके, लाइक मैंने क्या कह दिया, मैं डोमिनोज हूँ। यहाँ पे मैंने परचेज करी किससे? फ्लिप्स से। मैंने फ्लिप्स से परचेज करी, कुछ भी परचेज करा होगा मैंने, लाइक मैंने क्या करे, ट्यूबलाइट्स वगैरह परचेज करी, ओके। फिर मेरे आगे कस्टमर्स है, कस्टमर्स को मैंने क्या करी है, सेल करी है पिज़्ज़ा अपने डोमिनोज वगैरह की जो आइटम्स हैं वो मैंने सेल करी। मैं कौन हूँ? डोमिनोज, वो अपने हिसाब से देख रहा हूँ। सो जब मैंने फ्लिप से परचेज करा था, फ्लिप से परचेज करने के टाइम पे मैंने क्या करा होगा, कुछ उसको पेमेंट करी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लाइट्स परचेज करी थी 10,000 रुपीज़ की, सो उसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज GST का पे करा होगा। सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम 10% का स्लैब लेते हैं, 10% का एक्चुअल में कोई स्लैब नहीं होता है। सो मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो गुड्स परचेज करी थी, जैसे ट्यूबलाइट परचेज करी है, सो उसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको, 10,000, ठीक है? इसके ऊपर मैंने क्या करा, GST पे करा। GST फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 पे करा है, टोटल कितनी पेमेंट कर दी मैंने, 11,000। बात क्लियर हुई? अभी क्या हुआ, कस्टमर को जब मैंने सेल करी है ना, कस्टमर को मैंने सेल करी है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है? जो मैंने मतलब टोटल वैल्यू जो थी मेरी वो कितने की थी, 1 लाख रुपीज़ की। उसके ऊपर जो GST चार्ज हुआ है ना, वो GST चार्ज हो गया फॉर एग्जांपल मेरा 10,000 रुपीज़। टोटल वैल्यू कितनी होगी, 1.1 लाख रुपीज़, 10,000, मतलब 1,10,000 रुपीज़। बात समझ में आई यहाँ तक? मतलब मैंने क्या करा, मैं डोमिनोज हूँ, मैंने कुछ परचेज करी है फ़िलिप्स से जब मैंने परचेज करी है तो उस पर सामान की वैल्यू थी 10,000 रुपीज़, गुड्स की वैल्यू, उस पर उन्होंने GST चार्ज करा, हमने एक एज्यूम कर लिया कि 1,000 रुपीज़ का। अभी मैंने आगे पिज़्ज़ा वगैरह बनाए, उसको सेल करा, तो उसको सेल करके क्या करा है मैंने, 1 लाख रुपीज़ की सेल करी है। उसके ऊपर जो GST मैंने कलेक्ट करा है कस्टमर से, वो कितना करा है, 10,000 रुपीज़। अभी जो ये मेरा GST होता है, ये जो मैं सेल के टाइम पे चार्ज कर रहा हूँ, वो मेरा कौन सा GST कहलाता है, आउटपुट GST कहलाता है, ठीक है? आउटपुट GST जो सा मेरा GST, जो भी GST मैं परचेज के टाइम पे करता हूँ, वो मेरा कैसा GST कहलाता है, इनपुट। बात समझ में आई? सो यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, आउटपुट GST से ना मतलब ऐसा कभी कभी फील होता है कि जो GST मेरे पास से जा रहा है ना, जो GST मेरे पास आता है मैं उसको आउटपुट GST बोलता हूँ। मैं GST के वे पे नहीं बोलता हूँ उसको, मैं कहता हूँ जो मैंने आउटपुट किया, जो मैंने सामान आउट किया, जो मैंने सेल करी, उसके ऊपर जो GST चार्ज करा, वो GST आउटपुट GST, मतलब आउटपुट के ऊपर GST जो लगता है उसको मैं कहता हूँ आउटपुट GST। सो ये मेरे पास कस्टमर के पास से आया होता है, मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया होता है। इनपुट GST जस्ट इसका अपोजिट है, जो GST मैंने पे करा है किस चीज़ पे, सामान इनपुट करने पे, परचेज करने पे, तो वो वाला GST मेरा क्या कहलाता है, इनपुट GST कहलाता है। क्लियर है ये वाली बात? सो आउटपुट GST, इनपुट GST समझ में आया यहाँ तक? ओके, अभी क्या करते हैं, ये वाला एग्जांपल आप एक बार पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे से आपको बात बताता हूँ, ठीक है? चलिए, इसके बाद अभी क्या हुआ, जो कस्टमर से आपने पेमेंट लिए है ना, कस्टमर से जो आपने क्या करा है, पैसे लिए हैं, कितने लिए हैं, GST के नाम के 10,000 रुपीज़। ये 10,000 रुपीज़ आपकी अपनी अर्निंग तो नहीं है,
ये किसको पे करना है? गवर्नमेंट का। आपने कस्टमर से लिया है पैसा क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको कहा था कि भाई जब भी कोई चीज़ सेल करोगे ना कस्टमर से पैसे ले लेना और वो पैसे मुझे दे देना। सो आपने क्या करा, 10,000 रुपीज़ कस्टमर से लिया, वो किसको दे दिए? गवर्नमेंट को। सो गवर्नमेंट को जब आप पे कर रहे हो तो कितना पे कर रहे हो? पे कर रहे हो 10,000 रुपीज़। गवर्नमेंट कहती है कि भाई ऐसा है, जब आपने परचेज करी थी ना उस टाइम पे आपने कुछ GST पे करा था? मैंने कहा, गवर्नमेंट मुझसे बात करने है, कहने लगी आपने कुछ सामान भी तो खरीदा था? मैंने कहा फ़िलिप्स से खरीदा था, उस पर GST पे किया था? मैंने कहा मैंने GST पे किया था कि 1,000 का पे किया था। गवर्नमेंट कहने लगी कि देखो वो GST आपने फ़िलिप्स को दिया था, अब फ़िलिप्स ने मेरे को दे दिया क्योंकि फ़िलिप्स के लिए तो मैं कस्टमर हो गया था ना, डोमिनोज कस्टमर हो गया था। सो फ़िलिप्स ने क्या करा, वो डोमिनोज से टैक्स कलेक्ट करा और किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट कह रही है देखो वो ना आपकी तरफ से एक तरह से मेरे पास आ ही गया है, आपका पैसा वो जो 1,000 रुपीज़ थे वो आपने फ़िलिप्स को दिए थे, फ़िलिप्स ने मुझे दे दिए तो मेरे पास आ गए, एक काम करो वो पैसे आप वापस ले लो, कि परचेज पे जो आप GST पे करा होता है ना गवर्नमेंट मुझे वापस कर देती है। कुछ इसके ऊपर रेगुलेशंस हैं, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, कितना मिलता है वो सब हम बाद में देखेंगे। सो जनरली अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट उसको सारा मुझे वापस कर देती है। सो गवर्नमेंट ने क्या कहा, पे तो मुझे कर दो 10,000 रुपीज़ और ये वाले जो 1,000 रुपीज़ है ना ये मुझसे ले लो, रिसीव कर लो, कितने 1,000, समझ में आई? सो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को 10,000 दे रहा हूँ और 1,000 ले रहा हूँ। सो मतलब दूसरी तरफ से क्या बोल सकता हूँ मैं, गवर्नमेंट को पे कितना कर रहा हूँ? 9,000 रुपीज़। एक्चुअल पेमेंट कितनी हो रही है मेरी? 9,000 रुपीज़ की पेमेंट हो रही है। सो मैं क्या करता हूँ, अभी ऐसे थोड़ा करूँगा ना गवर्नमेंट को भाई पहले 10,000 ले लो फिर मुझे 1,000 वापस कर दो, नहीं, मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ 1,000 रुपये काट के मैं वापस आपको दे देता हूँ, 9,000 रुपीज़ दे देता हूँ। सो एक्चुअल पेमेंट मैं कितनी करता हूँ, इसमें जो आउटपुट GST होता है माइनस कर देता हूँ उसमें से इनपुट GST। सो जो अमाउंट आई है वो मेरी क्या आई है, टैक्स लाइबिलिटी की। इतना मुझे अभी क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST इज इक्वल टू टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, अभी पहले इसको नोट कर लो, भूल जाओगे ये OITL क्या है। आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, मैंने जितना आउटपुट था उसमें से इनपुट का अपना पैसा वापस ले लिया, बाकी भी बचा हुआ मैंने जो टोटल लाइबिलिटी आई वो गवर्नमेंट को पे कर दी। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? रब कर दूँ इसको सब, आगे करते हैं। ठीक है, जो भी रह गया उसको नोट डाउन कर लेना, ये चले अभी लिखे रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, GST कंप्यूटेशन में कैसे लिखते हैं, मैं जब GST की कैलकुलेट करनी होती है, आउटपुट GST माइनस इनपुट, जो आउटपुट किसको कहते हैं, GST ऑन सेल्स को, और इनपुट किस पे कहते हैं, जो मैंने खर्चा करा या कुछ सामान परचेज करा है उस पे जो GST मैंने पे करा है उसको मैं कहता हूँ इनपुट GST। दोनों को माइनस करूँगा, मेरा जो लाइबिलिटी आ जाएगी कि मुझे कितना करना है उतनी मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में आई? सो अभी ना इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा हमें कैसे क्या करना है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब अभी क्या हुआ, सेल अमाउंट थी 1,00,000 रुपीज़, मैंने सेल कितने की करी 1,00,000 रुपीज़, और परचेज कितने की करी थी 80,000 रुपीज़ की। ठीक है, टैक्स रेट कितना है मेरा 9%, मतलब टोटल मिला के मेरा 18% है, दोनों पे 9% है। तो अभी क्या करूँगा, कस्टमर से मैं चार्ज करूँगा 1,00,000 के ऊपर कितना 9%, और पे कितना करूँगा, 80,000 का सामान खरीदा है ना उस पे करूँगा 99%। बात समझ में आई? सो पहले तो ये कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई एक्चुअल में मैंने पेमेंट कितनी कितनी करी है। चलो पहले मैं बात करता हूँ आउटपुट GST की, आउटपुट मतलब सेल पे, सेल थी मेरे पास 1,00,000 रुपीज़ की, उसके ऊपर 9% का मैंने क्या चार्ज करा, CGST 9%, मतलब 9,000। SGST कितना 9%, टोटल GST मेरा कितना आ गया 18,000 रुपीज़, मेरा ये इन दोनों का टोटल कितना आ गया 18,000। इतना मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। हाँ भाई लेकिन मैंने तो परचेज भी करा था, परचेज कितना करा था 80,000 का, हाँ उस पर भी तो चार्ज कर दिया था उस सामने वाले ने मुझसे GST 99%, तो 7,200 क्या कर दिया था, GST चार्ज करा था। सो एक्चुअल में जो GST चार्ज हुआ वो कितना हुआ, 14,400 GST चार्ज हुआ। बात समझ में आई? सो मतलब जो मैंने GST पे करा होगा ना कस्टमर को, उसे जब मैंने सामान खरीदा होगा परचेज करी होगी उस टाइम पे GST पे करा होगा, वो कितना करा है,
14,400। सो अभी मुझे गवर्नमेंट को देने थे 18,000, लेने थे 14,400। सो गवर्नमेंट क्या कहेगी, भाई ये हिसाब जो लेने थे ना उसको कट करके बाकी मुझे दे दो। सो मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा और एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3,600। मैं गवर्नमेंट को कितना पे कर दूंगा, 3,600 रुपीज़ पे करूँगा। डन है, इस वाले को आप नोट कर लो, ये पहले इसको नोट कर लो आप, ठीक है, पॉज करके लिख लेना, नीचे ये क्वेश्चन पूरा आप नोट डाउन कर लो। यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, अभी हम दोनों तीनों तरीके के केसेस देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या केसेस आते हैं। उसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने लास्ट टॉपिक देख रहे थे उसी से रिलेटेड है कि जीएसटी क्रेडिट किसे कहते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी एक बार जिक्र करा था इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है जितना भी आपने परचेज करा उस पर जो GST पे करा था उसको ना वापस ले लो। तो अभी देख रहे थे ना गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको वापस दे रही है। सो गवर्नमेंट जब वापस दे रही है तो मैं उसको क्या करूँगा कि जो इनपुट पे टैक्स दिया था मैंने, जो मेरा इनपुट टैक्स था उसका मैंने क्रेडिट ले लिया, उसको मैंने क्या कर लिया, वापस ले लिया। सो ये मेरा एक तरह से जैसे क्रेडिट करने पे इनकम बोल देते हैं, इस तरह से कुछ भी कह सकते हो आप। सो मैंने उसको क्या करा, क्रेडिट। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे GST क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस किसको कहते हैं, मतलब इसी को मैं क्रेडिट कहता हूँ। GST का क्रेडिट ले लेना, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब हुआ कि जब मुझे गवर्नमेंट को देने कम है और गवर्नमेंट से लेने ज़्यादा हैं। मतलब जैसे टैक्स जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट करा, वो कलेक्ट करा मैंने 1,000 रुपीज़, और पीछे मैं जब सामान खरीदा था तब मैंने पे कर दिया था वहाँ पे टैक्स 10,000 रुपीज़। अरे भाई, अभी गवर्नमेंट को 1,000 देने हैं और गवर्नमेंट से 10,000 लेने हैं, तो एक्चुअल में आज की डेट में पेंडिंग कितना है, 9,000 रुपीज़। बात क्लियर हुई, दूंगा तो 1,000 और लूंगा 10,000, तो एक्चुअल में गवर्नमेंट मुझे 9,000 रुपये और देगी ना अपनी तरफ से, मेरे पिछले वापस करेगी। सो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है कि आपको ईजिली वापस कर देती है, रिफंड का एक स्टेटस होता है बट वो मुश्किल वाला वर्क रहता है। सो एक्चुअल में क्या होता है कि ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, जितनी भी आप टैक्स पे करते हो मंथली बेसिस पे करते हो, रिटर्न फाइल करते हो मंथली बेसिस पे। सो ये टैक्स ना आपका हर मंथ होता है। सो अभी क्या हुआ कि मेरे पास पिछले महीने का बैलेंस था, जैसे इस महीने का बैलेंस बच गया 9,000 रुपये। मैंने कहा गवर्नमेंट भाई, गवर्नमेंट जी आपके साथ ऐसा है, 9,000 रुपये ना मुझे आज भी आपसे लेने हैं। गवर्नमेंट ने कहा कोई नहीं, मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हो, कहीं नहीं जा रहे, अगले महीने एडजस्ट कर लेना। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट मंथ जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना होगा उसमें से मैं इस 9,000 रुपये को एडजस्ट कर लूँगा। सो लाइक नेक्स्ट मंथ मुझे गवर्नमेंट को 5,000 पे करने थे, गवर्नमेंट मुझसे मांगने लगी, गवर्नमेंट ने कहा लाओ 5,000 रुपये। मैंने कहा पिछले 9,000 रुपये कौन देगा मेरे। सो गवर्नमेंट ने, अरे हाँ वो 9,000 रुपये भी तो देने थे। सो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा एक काम करो, 5,000 देने थे ना, 9,000 मुझसे लेने थे, सो अभी उनको एडजस्ट कर दो। मैंने कहा हाँ एडजस्ट हो गए, अब भी याद रखना आज से 4,000 रुपये लूँगा। गवर्नमेंट ने कहा हाँ ठीक है। सो ये 4,000 रुपीज़ मैं नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर लूँगा उससे भी। सो इस तरह से ही चलता रहता है, ठीक है। सो ये अभी हमने देखा था GST कंपटीशन का, कि जब मेरा GST पेबल होता है तो मैं उसको GST पेबल बोलता हूँ, और जब ये रिवर्स में हो जाता है, आउटपुट कम हो गया इनपुट ज़्यादा हो गया, सो मैं उसको क्या बोलता हूँ, GST क्रेडिट बैलेंस। सो एक तरह से मैं कह सकता हूँ जब मेरा इनपुट माइनस आउटपुट है, इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, सो मैं उसको इनपुट क्रेडिट बोलता हूँ। क्लियर यहाँ तक? अच्छा पता है एक चीज़, ये जो GST का आप पढ़ रहे हो ना, इसको ना सिर्फ इस तरह से मत लेके चलना कि ठीक है बस हमें कोर्स कंप्लीट करना है, सर्टिफिकेट लेना है, ओके। क्योंकि इस चीज़ को समझिए कि हमें ना एक बहुत टाइम से चली चीज़ आ रही है और हमें समझाया जाता है, एक माइंड सेट हो जाता है इंडिया में कि डिग्री की वैल्यू है। नहीं, डिग्री की वैल्यू है, मतलब एक सर्टिफिकेट की वैल्यू डेफिनेटली है। सर्टिफिकेट आपको ना बहुत हेल्प करता है बूस्ट करने में आपके इंटरव्यू में, आपने इंटरव्यू में अपने CV में ऐड करने के लिए आपको हेल्पफुल रहता है, बट अल्टीमेटली जो आपको हेल्प करने वाली है वो आपकी नॉलेज है। सो जब मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ तो उसको समझो, उसको सोचो कि क्या चीज़ है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको पढ़ा 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 बस फटाफट कोर्स कंप्लीट करा, बाद में टेस्ट दिया, सर्टिफिकेट ले लिया। इंटरव्यू देने जाओगे, जॉब पे किसी कोई पर्सन आपको रखेगा, सो वो खुश हो जाएगा ये देख के कि आपके पास सर्टिफिकेट है, मीन्स आपने पढ़ा है। बट अगर उसको आप रिप्लाई ही नहीं कर पाए, सो वो सर्टिफिकेट यूजलेस हो जाएगा ना। इनफैक्ट मेरी भी वैल्यू डाउन हो जाएगी कि हाँ पीयूष सर ने पढ़ा है और
कुछ नहीं पढ़ाते होंगे क्लास में, उसको क्या पता है अभी इंटरव्यू लेने वाले पर्सन को। सो ऐसा मत करना, अच्छे से उसका याद रखना चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, कैसे डिस्कशन ले सकते हो, प्रैक्टिकल केस स्टडीज कैसे ले सकते हो, तो वो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक। जैसे मैं एक नाम बता देता हूँ, CA क्लब इंडिया, ये वेबसाइट है। सो वहाँ पे आप जाके ना रजिस्टर कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और वहाँ पे ना GST में लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो क्वेश्चंस देखो, उनके आंसर्स देखो क्या लोगों ने आंसर दिए। वहाँ पे क्या होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है GST से या इनकम टैक्स से या किसी भी तरीके की, वो क्वेश्चन पूछता है, सामने से कोई उसको रिप्लाई करता है। कोरा पे भी आप इस तरह से कर सकते हो, बट कोरा मतलब QURA, ठीक है। सो उस पे भी आप कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा लिमिटेड मिलेगा। CA क्लब इंडिया वो एक्चुअल में CA से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको कंटेंट ज़्यादा मिल जाता है। सो पहले रीड करो कि देखो क्या रिप्लाइज आ रहे हैं, उसके बाद जब आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो तो उस पे आप रिप्लाइज खुद भी कर सकते हो। जब भी रिप्लाई करो तो जरूर लिख देना कि आई एम ए स्टूडेंट। पता चला आपने कोई सजेशन दे दिया, सजेशन गलत दे दिया और सामने वाले ने उसको फॉलो कर लिया, बेचारे का नुकसान हो जाएगा, क्या फ़ायदा। सो कह देना या फिर उसमें लिख दो कि आप एक बार कन्फर्म कर लो, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। रिप्लाई करना वहाँ पे शुरू करो। सेकंड केस देखते हैं। सेल आपने करी 60,000 की, परचेज करी आपने 70,000 की, टैक्स रेट 99% है। अरे इसका आंसर रह गया लिखने से यहाँ पे, कोई नहीं, अपने आप सॉल्व कर लो। अभी क्या होगा, ये जो मेरा आउटपुट है अभी, इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा ना 60,000 पे, वो कम आएगा, 70,000 पे ज़्यादा आएगा। सो गवर्नमेंट को पे कम करना है, गवर्नमेंट से लेना ज़्यादा है, मेरे पास क्या बच जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाएगा। सो एक बार मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। 60, हाँ कैलकुलेटर चेक कर रहा हूँ, 60,000 का 0.09 5400 आया है, ठीक है, 5400। और दूसरा भी मेरा कौन कितना आएगा, 5400, डन। अभी इसके बाद मैं बात करता हूँ नीचे, जो परचेज करा है उसमें कितना आएगा, परचेज में देखते हैं। वो वीडियो मुझे स्प्लिट करनी पड़ी थी किसी रीजन के कारण। सो हाँ, हम क्या देख रहे थे कि जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल के ऊपर हमारा टैक्स आ रहा है 5400, और जब परचेज कर रहे हैं तो टैक्स आ रहा है हमारे पास 6300। सो यहाँ पे अभी मुझे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट से पैसे ज़्यादा लेने हैं 6300 लेने हैं, और गवर्नमेंट को पे करना है कम 5400 का। सो जो डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लगभग इसमें मेरा 6 और 3 900 का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या, वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, 900 CGST का, 900 SGST का। सो बस यही है, और GST क्रेडिट और इसके बीच में डिफरेंस है, ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नोट हो गया था ना आपका, नोट कर लो अगर वो नहीं करा है तो, ठीक। इसके बाद ये वाला जो आपका GST पेबल एंड GST क्रेडिट के बीच का डिफरेंस है, ये आप नोट कर सकते हैं। GST चलान क्या होता है, GST चलान होता है मतलब, जैसे आपका पेमेंट पे चलान कटता है ना, ट्रैफिक पे कटा है क्या चलान, रूल्स वगैरह थोड़े हैं आपने, रोड रूल्स। सो वो चलान और इस चलान में डिफरेंस है, मतलब उससे ऐसा ज़्यादा रिलेट मत करना। यहाँ पे क्या होता है, जब गवर्नमेंट को मुझे टैक्स पे करना होता है ना, तो टैक्स पे करने के लिए मुझे एक पहले ना रिसिप्ट जनरेट करनी पड़ती है, रसीद टाइप में जनरेट करनी पड़ती है, उसको मैं चलान कहता हूँ। सो मैं जब ऑनलाइन समझेंगे हम रिटर्न फाइलिंग वगैरह में, सो रिटर्न फाइलिंग में जब जाएंगे वहाँ पे GST रिटर्न के लिए हम टैक्स निकल के आया, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे समझ में आया कि गवर्नमेंट को अभी 9,000 पे करना है, तो 9,000 के लिए मैं क्या करूँगा, एक ना रिसिप्ट टाइप में जनरेट करूँगा, चलान करूँगा और फिर टैक्स पे करूँगा। सो सीधी सी बात है भाई, जब पे करना है तभी तो मैं करूँगा ना, अभी गवर्नमेंट से पैसे ही वापस लेने हैं तो चलान किस नाम का, फिर तो मुझे गवर्नमेंट को कुछ पे ही नहीं करना है तो चलान जनरेट भी नहीं करना है। तो सिंपल सा बस ये लिखा है, जब आपको पे करना है तब चलान करोगे, जब क्रेडिट बन रहा है तो वहाँ पे आपको चलान नहीं रिसीव करना है। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस एक बार देखते हैं। आउटपुट
जीएसटी आपको पे करना है 100, आपके पास लेना आपको 70 है, मतलब 30 का डिफरेंस अभी आप क्या करोगे, पे कर दोगे, समझ में आया। ये जनवरी में हुआ, फरवरी में नेक्स्ट मंथ में आए, आपको पे करना 140 है, गवर्नमेंट से लेना 150 है, तो आप कहोगे भाई 140 ले लो, 150 लेना था, तो 10 रुपये आज भी आपकी गवर्नमेंट को कहोगे कि उधार रहे बाद में दे देना मुझे, ठीक है। तो मतलब ये जीएसटी का रेट कितने का आ जाएगा, 10 का। क्वेश्चन 3 में अभी हम क्या देख रहे हैं, मार्च में आए, जनवरी फरवरी का हो गया, मार्च की बात है, रिलेटेड क्वेश्चन है एक तरह से। आउटपुट में मेरे पास 300, इनपुट में मेरे पास 220, सो मतलब गवर्नमेंट को मुझे कितना देना है, 80 रुपीज़ देना है, बट 10 रुपीज़ तो पिछला भी लेना था ना गवर्नमेंट को, मैं भी गवर्नमेंट मुझसे कहने लगी भाई लाओ 80 रुपीज़ दो, कि भाई 300 आपको देने थे, 220 मुझसे लेने थे, 80 रुपीज़ मुझे दो। मैंने कहा नहीं, 10 रुपये पिछले भी लेने थे मुझे आपसे, उसने कहा गवर्नमेंट ने, हाँ सो 10 रुपये पीछे भी लूंगा तो बाकी गवर्नमेंट को पे कितना करूंगा, 70 रुपीज़, क्लियर है। जीएसटी पेबल एंड जीएसटी क्रेडिट के बीच के जो डिफरेंस है ये भी आप नोट डाउन कर लें, नोट डाउन हो गया था ना ये पहले का, एक बार मैं आपको रुक रुक के दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 2 पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन 3, और ये दोनों के बीच के डिफरेंसेस। ये कंपटीशन हम समझ चुके हैं, ये वाला एक बार रीड कर लेना, पढ़ लिया है हमने जीएसटी का रेट कैसे कंप्यूट करना है, वो समझा ना कि सीजीएसटी एसजीएसटी में आधा आधा करके कट कर देंगे, तो वाली बात है। ये 99% वाली बात है कि भाई 99% है तो मतलब अभी क्या उसको आईजीएसटी, मतलब सीजीएसटी तो 99% हो जाएगा, आईजीएसटी 18% हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है। तो मतलब ये पता है ना कि कोई क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सीजीएसटी का रेट जो है 9% है, आपको चार्ज आईजीएसटी करना है, तो समझ में आ जाएगा कि भाई सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी मेरा 9% हो जाएगा, तो टोटल मिला के 18% का टैक्स रेट है, आईजीएसटी सिंगल रेट है तो उस पर कितना लग जाएगा, 18% का रेट लगेगा। चलिए कंपोजिशन स्कीम ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, अभी क्लासेस आपने कोर्स कौन सा परचेज करा उस पर डिपेंड करता है, जो बेसिक कोर्स होगा उसमें ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी, जो एडवांस कोर्स होगा फंडामेंटल के नाम से उसमें ये वाली वीडियो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी एक चीज़ हमें और देखनी थी कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, किसी किसी को रिक्वायरमेंट होती है, किसको रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मली मैं अगर पहले क्या था, अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो पहले ही रिक्वायरमेंट थी कि जब आपका सेल, आपका टर्नओवर वर्ड यूज़ करते हैं हम जीएसटी में, जनरल लैंग्वेज में मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ तो क्या मैं उसको सेल बोल सकता हूँ, बट टर्नओवर और सेल के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। सो मैं कह रहा हूँ कि जब मेरी टर्नओवर 20 लाख या उससे ऊपर हो जाएगी, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा। जब मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूँगा उसके बाद ही मेरे ऊपर सारे ये रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, तभी मुझे जीएसटी कस्टमर से चार्ज करना होगा और तभी मुझे आईटीसी मिलेगा। अगर मेरी वो थ्रेशोल्ड लिमिट ही नहीं हुई है, मतलब मेरा टर्नओवर अभी 20 लाख का हुआ ही नहीं है, सो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेप्ट कुछ केसेस कहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि हाँ तो आपको कंपलसरी होगा ही होगा आपको रजिस्ट्रेशन लेना। जैसा कि एक केस आता है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो अगर आपने थोड़ा सा भी सामान सेल करा है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसका लेना पड़ेगा। अभी पहले तो सिंपल सी एक बात थी कि देखो भाई 20 लाख का टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है और कुछ लिमिटेड स्टेट्स से जैसे उत्तराखंड में बात थी, सो वहाँ पे 10 लाख की लिमिट रखी थी, बट फिर ना ये लिमिट चेंज कर दी है। सो अभी जो एप्लीकेबल है वो क्या है, हमें ये देखना रहता है कि देखो नॉर्मल लिमिट तो यही रखी है आज भी, उन्होंने क्या कहा है कि भाई नॉर्मल लिमिट यही है 20 लाख और 10 लाख, कि नॉर्मल पूरे देश में चलेगी 20 लाख का टर्नओवर अगर आपका क्रॉस करता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लो, और अगर आपका सर्विस सेक्टर वो स्पेशल स्टेट्स हो जाते हैं आपके तो आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो टर्नओवर की लिमिट क्या, 20 और 10, बट उन्होंने एक चीज ऐड कर दी, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करते हो, मतलब आप सर्विस का कोई काम ही नहीं करते हो, बस क्या कर रहे हो गुड्स डील कर रहे हो, लाइक मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम है या फिर मेरा ट्रेडिंग का काम है, तो वहाँ पे मुझे गुड्स ही करनी है, मुझे कोई सर्विस का काम ही नहीं, मैं कोई सर्विस किसी को नहीं दे रहा हूँ, उस केस में मुझे टर्नओवर डबल कर दिया। डबल कितना,
नॉर्मल पूरे कंट्री में कर दिया 40 लाख, कि भाई 40 लाख क्रॉस होगा ना तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, और उससे पहले जो 20 लाख कर दिया मेरा स्पेशल स्टेट्स में, तो दोनों जगह का मेरा क्या कर दिया, डबल। बट ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब मैं गुड्स दे रहा हूँ, सिर्फ गुड्स में डीलिंग कर रहा हूँ, मेरी सर्विस कोई भी नहीं है वहाँ पे। क्लियर है ये बात? सो ये मुझे पता होना चाहिए कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की लिमिट एट प्रेजेंट क्या है। ये ऐसा क्यों करा है इन्होंने? इसलिए करा है कि भाई देखो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब क्या हो गया कि आपको ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, जीएसटी लो, उसकी सबमिट करो, रिटर्न फाइल करो, कभी कुछ कभी कुछ। तो छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, मतलब जिसकी सेल अगर बेचारे की 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख जैसा भी केस है, उतनी भी नहीं हो पा रही है, तो भाई उसको इन चीज़ों से दूर रखो, उसको अपना बिजनेस करने दो। हाँ, आपका मन करता है अपनी तरफ से तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है। मतलब मैं अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख की सेल करी, मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे तो अभी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना है, सो मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। ऐसा क्यों करूँगा जब मुझे ITC का बेनिफिट मिल रहा होगा? सो और भी बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, तो वहाँ पे अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं तो उस केस में मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, मतलब कि मेरे ऊपर है। गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई 20 लाख या 40 लाख उसको क्रॉस कर लोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मजबूरी हो जाएगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उससे पहले भी लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, आप तो हमें टैक्स पे कर रहे हो, हम क्यों मना करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन ले लो। क्लियर रही वाली बात? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं, जिस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वो परेशान होते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आपको बहुत ईजी होने वाला है जीएसटी के वर्क में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। पहले उससे पहले एक ये चीज़ समझते हैं कि जो जीएसटी का फॉर्मेट होता है ना, एक जीएसटी नंबर जो भी होता है आपका, तो जीएसटी के नंबर में, एक सेकंड, क्या हो गया, हाईलाइट नहीं हो रहा, कोई नहीं, चलो अभी ऐसे देख लेते हैं। ये जीएसटी का जो नंबर है उसमें स्टार्टिंग में 2 डिजिट्स मिलेंगी आपको, जो जैसे यहाँ पे लिखा है 22, क्लियर है। सो 22 जैसे लिखा है ना यहाँ पे, तो 22 का मतलब ये स्टेट कोड को रेफर करता है, इसका मतलब है स्टेट कोड। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना एक कोड है, तो स्टार्टिंग में वो कोड होता है, तो उस कोड के थ्रू मुझे पता चल जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट का है। फिर उसके बाद में ये जितनी भी डिजिट्स लिखी हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक एग्जांपल लिखा है, आपको डिफरेंट होगा, वो होता है पैन नंबर, ठीक है, उस पर्सन का जिसका वो जीएसटी है उसका पैन नंबर होता है। पैन कार्ड नंबर जो होता है हर पार्टनरशिप का, कंपनी का, इंडिविजुअल का, सबका वो पैन कार्ड होता है। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड की डिटेल मिल जाएगी। एक चीज़ और बताता हूँ, पैन नंबर जो होता है ना हर पर्सन का एक होता है। पैन का मतलब ही एक तरह से ये ऑल ओवर इंडिया एक नंबर है आपके पास, ठीक है। जीएसटी नंबर आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, एक स्टेट में अलग, दूसरे स्टेट में अलग, वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। सो अगर मेरा एक, मैं फॉर एग्जांपल पीयूष गुप्ता, मेरे बिजनेस हैं ऑल ओवर इंडिया 7 places पे, 7 states में, तो मेरे पास 7 states में सब रजिस्ट्रेशन होंगे। ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये सब में सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, पैन नंबर है। इसके बाद ये 1 होता है, 1, 2, 3 होता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, तो उस हिसाब से ये कोडिंग होती है, गवर्नमेंट अपने आप करती है। जेड, ये बाय डिफॉल्ट जेड हर जीएसटी नंबर में आपको मिलता है। ये 5 जो है ये उनका, गवर्नमेंट का अपना कोई एक फार्मूला है जिसके हिसाब से ये नंबर सेट करते हैं। इससे गवर्नमेंट को थोड़ा आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है कि जीएसटी नंबर गलत तो नहीं है। ये किस फॉर्मूले पे बना है, कैसे बना है, वो किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट का है। तो ये रैंडम नंबर होता है। मेरे लिए मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये शुरू की 2 डिजिट और ये डिजिट, इससे मुझे क्या पता चल सकता है, पैन नंबर। तो प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली। मैं अभी एक वेबसाइट ओपन करते हैं, जीएसटी की वेबसाइट। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है gst.gov.in, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स .gov, गवर्नमेंट का gov.in, ठीक है। मैं क्या करूँगा, देखो ये वेबसाइट जो है, पहले वेबसाइट से थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, या इसकी मैं सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इंट्रो की। फिलहाल हम क्या जाते हैं, सर्विसेज में जाते हैं। यूज़र सर्विसेज में देखो, यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे है सर्च टैक्स पेयर, सर्च टैक्स पेयर, सर्च बाय जीएसटी नंबर। मैं क्या कर क्या रहा हूँ, मैं जीएसटी नंबर से ना किसी पर्सन की सारी डिटेल निकाल रहा हूँ। इलीगल काम नहीं है, कोई हैकिंग नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटीज दी है, ठीक है। मैंने क्या करा, सर्च टैक्स पेयर, सर्च बाय जीएसटी नंबर, मैंने उस पर क्लिक करा।
ये मेरे पास एक पेज ओपन होके आने वाला है, ये पेज ओपन होके आया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो जीएसटी नंबर एंटर कर दूंगा, ये मैंने एक जीएसटी नंबर कहीं से लिया है, ठीक। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 920, ये जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है 920167, और क्या कर दिया, सर्च कर दिया। अरे ये तो सारी डिटेल निकल के आ गई, क्या डिटेल निकल के आई, ये कौन सी कंपनी है, यह है PVR लिमिटेड, सिनेमा PVR सिनेमा हॉल है ना, उसकी डिटेल थी ये, PVR लिमिटेड। इसका ट्रेड नेम क्या है, PVR लिमिटेड, कंपनी का एक्चुअल नेम क्या है, PVR लिमिटेड। ये इसका जरिस्ट्रिक्शन आ गया, कौन से स्टेट का ये कोड है, गुड़गांव का है। पता है क्या, मैंने जैसे अभी ये कोड जो लिखा था ना, वो कोड क्या लिखा था मैंने, जीएसटी नंबर मतलब जो था 06 से स्टार्ट था, 06 से मुझे पता चला कि वो सारे गुड़गांव के जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, 06 से। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है मेरे पास 1/7/2017, तब रजिस्ट्रेशन करा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जीएसटी स्टेटस एक्टिव है, रेगुलर टैक्स पेयर है, सब कुछ है इसका। और शो फाइलिंग टेबल मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास सारी डिटेल निकल के आ गई, उन्होंने कब कौन सी रिटर्न फाइल करी थी, कैसे करी थी, नहीं करी थी कब। देखो GSTR 3B की बात करता हूँ, पहली बात GSTR 3B कौन सी ईयर की, 1920 की, फरवरी की उन्होंने फाइल कर दी थी 18th मार्च को, स्टेटस फाइल। फिर इसी तरह से GSTR 1, GSTR 3B, ये सारी डिटेल मेरे पास निकल के आ रही है कि हाँ उन्होंने सारी रिटर्न्स अपनी फाइल करी है या नहीं करी है, सारी की सारी डिटेल मेरे पास यहाँ पे उस कंपनी की निकल के आ गई। बात क्लियर हुई, तो आप क्या करोगे, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई परचेज करी होगी जिसका आपके पास इनवॉइस होगा, उस इनवॉइस पे जीएसटी नंबर होगा उस पर्सन का, उस नंबर का जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर करोगे। एग्जांपल डोमिनोज में जाओगे, मैकडी में जाते हो, या फिर कोई आपने टीवी परचेज करोगे, फ्लिपकार्ट से परचेज करी होगी, अमेजोन से परचेज करी होगी, जीएसटी नंबर होगा, उससे एक बार सर्च करके ट्राई करना, ठीक है। ये होमवर्क एक तरह से आपका। मैंने अभी क्या बात करी, ये जीएसटी नंबर ये था, मैंने कहा था कि शुरू की 2 डिजिट क्या होती है, स्टेट कोड होता है, उसके बाद की जो यहाँ तक की ये होता है, ये क्या होता है, पैन नंबर। ये पैन नंबर है, मतलब PVR अभी ऑल ओवर इंडिया कितनी सारी जगह है ना, उसके कितने सारे रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। हर स्टेट में एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा उसका कंपलसरीली, और एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो मतलब कितनी सारे रजिस्ट्रेशन होंगे, मैं क्या करता हूँ, ये पैन कार्ड नंबर कॉपी कर लेता हूँ उसका, ये मुझे पता चल गया ना पैन कार्ड नंबर है, ये मैंने क्या करा, इतना कॉपी कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, सर्च टैक्स पेयर में दोबारा जाता हूँ, क्लिक करा सर्च बाय पैन, इस बार किस तरह से कर रहा हूँ, सर्च बाय पैन नंबर, पैन नंबर में मैंने यहाँ पे गया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ये कोड एंटर करा 66355, क्या हो गया, 555, अच्छा सर्च। ये देखो उस पैन नंबर पे जितने भी रजिस्ट्रेशन है सारी डिटेल मेरे पास निकल के आ गई। एक चीज देखो ना, 36 रजिस्ट्रेशन ये कहाँ का है, तेलंगाना का, 18 नंबर कहाँ का है, असम का, 29 ये रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, कर्नाटका का। इसमें ना पैन नंबर सबका ही सेम आ रहा है, AAA CP 4 5 2 6 D, ये सबके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, सबके क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे उस PVR के जितने भी GST रजिस्ट्रेशन है सबकी डिटेल निकल के आ गई। मैं इसके बाद देखो, ये तो एक पेज हुआ 10 20, मैं लास्ट पेज पे जाऊँ 80, उसके टोटल 80 रजिस्ट्रेशन है, इसमें से कुछ इनएक्टिव है, मतलब उसने रजिस्ट्रेशन लिया होगा, अब उस पर रिटर्न फाइल वगैरह नहीं कर रहे हैं, हो सकता है सरेंडर कर दिया हो, या हो सकता है बिजनेस क्लोज हो गया हो। तो इस तरह से टोटल मिला के आज तक उनके रजिस्ट्रेशन कितने हुए, 80 रजिस्ट्रेशन हुए। मैं कोई से भी एक पे क्लिक करूंगा ना, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, क्लिक करके वो मेरे पास पिछले वाला पेज ओपन हो के आ गया जहां मैं सर्च बाय जीएसटी नंबर करता था, हो रहा है ओपन, ये आ गया। यहां पे क्या करूंगा, 6016019 47, एंटर। देखो PVR लिमिटेड की इंदौर की सारी डिटेल निकल के आ गई, इसकी फाइलिंग टेबल देखता हूँ, ये सारी डिटेल निकल के आ गई। समझ में आया कितना हैंडी टूल है, मतलब इससे आपके पास GST नंबर है ना किसी का, वो चेक कर सकते हो। और कभी कभी रिटर्न फाइल करते वक्त ना GST नंबर है, नाम है, वहाँ पे आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप चेक कर सकते हो वो सही भी है या नहीं है, उस पर्सन ने रिटर्न फाइल भी करी है या नहीं करी है, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो।
बात क्लियर हुई है वाली सारी? तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको आप 2-3 जीएसटी नंबर से, पैन नंबर से, इस तरह से आप ट्राई करना। तो जीएसटी नंबर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जरूर 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 ट्राई करना। ठीक है, बाय बाय। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं पूरा का पूरा जीएसटी पोर्टल के बारे में, कि जीएसटी पोर्टल का कहाँ पे मतलब जो जीएसटी की वेबसाइट है वो किस तरह से, कहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं, एक ब्रॉडली ओवरव्यू लेने वाले हैं हम इसका। क्लियर है? तो सबसे पहले वेबसाइट का नाम क्या है, gst.gov.in, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स .gov, गवर्नमेंट का स्मॉल है, .in। ठीक है, देखो ये वेबसाइट आपके पास ओपन होके आएगी। इसमें पहले हम नीचे का देखते हैं, मेन्यू बाद में देखते हैं कहाँ पे क्या है। मैं इसमें बात करता हूँ यहाँ पे न्यूज़, अपडेट्स, इवेंट्स, जितने भी न्यूज़ जितने भी अपडेट्स होंगे ना वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। तो जो भी आप गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपडेट्स देती रहती हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। कुछ पॉपुलर टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे आप ले सकते हो। हाउ आई कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, हाउ डू आई फाइल इन्फॉर्मेशन वॉलंटरी पेमेंट का, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये इनकी कस्टमर सपोर्ट नंबर है, हेल्प डेस्क नंबर है, जिस पे कॉल करके आपको कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हो। और कोई प्रॉब्लम है तो ग्रीवेंस है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी तरीके की तो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हो। इसके बाद इधर बात आते हैं टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन का। जब जीएसटी में किसी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये फाइंड अ जीएसटी प्रैक्टिशनर होते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं ना उनकी डिटेल्स यहाँ से निकल जाती है जो जीएसटी में वर्क कर रहे हैं। जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से, और फाइंड अ टैक्स पेयर करना है तो आपको यहाँ से करना है। ठीक है, जीएसटी प्रैक्टिशनर ना गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम होते हैं, कभी कभी होते हैं वो, तो उसमें जीएसटी के लिए ऑथोराइज कर देते हैं आपको, एक एडिशनल अथॉरिटी हो जाती है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। वैसे तो जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग वगैरह का वर्क आप बिना किसी परमिशन के भी अपने बिहाफ पे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जीएसटी प्रैक्टिशनर की अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं, एग्जाम अप्लाई करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। तो आप जैसे सर्टिफिकेशन का ही कोर्स मुझसे पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे रिकॉग्निशन मिल जाए, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नॉलेज आपको यहाँ से मिली गई है, थोड़ा सा उसका सिलेबस देख के स्लाइटली एक्स्ट्रा करना होगा, सब कुछ आपको ऑलरेडी आ चुका होगा, तो वो आप वहाँ पे यूज़ करके अपने एक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस भी बहुत नॉमिनल होती है, 400-500 शायद उसकी फ़ीस है, तो वो आप डिटेल्स देख के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स है, यहाँ पे आता है कि कौन सी, अब किस डेट में कौन सी रिटर्न फाइल होनी है, तो कभी हर महीने आपको चेक करना हो तो यहाँ से देख सकते हो। फेब की 3B आपका फाइल करेंगे मार्च 20 में, फेब की जीएसटी F5 मार्च 20, ये सारी डेट्स यहाँ पे आपके पास ही हैं। क्लियर है? नीचे इसकी बेसिक है, अबाउट जीएसटी, जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर कैसा है, हिस्ट्री कैसी है, वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इससे रिलेटेड और वेबसाइट्स क्या है, हेल्प डिटेल्स, कॉन्टैक्ट अस इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे गिवन है। इनका यूट्यूब चैनल जो है जी वो यहाँ पे दिया है। तो ये मतलब एक बहुत बेसिक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इस जी।